ना तू किनारा है, एक सहारा मेरे नैया ना तू किनारा ख्याल है मेरे नैया ना तू किनारा है, एक सहारा मेरे नैया ना तू किनारा है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए, मेरे प्यारे तन्हा तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले, हो मेरे तन्हा कहीं ना सुकून है कहीं ना करार आएगा मेरा सांवरा, मुझे तो इंतजार है मेरी नैया का तू किनारा है, एक सहारा मेरी नैया का तू किनारा है। आया अरदास लेके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। संस्कार चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि सह नमन वंदन। हम सब बड़भागी हैं कि भगवान की इस पावन धरा श्री धाम वृंदावन पर बैठकर भगवान की ही लीला का गुणगान श्रवण पान करने जा रहे हैं, और पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी ऐसी सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण करते हैं, और इन प्रसंगों के साथ साथ पूज्य श्री महाराज जी हमें उन सेवाओं से जोड़ते हैं जो श्री धाम वृंदावन में चल रही हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं से भी पूज्य श्री महाराज जी हमें जोड़ते हैं। असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा श्री धाम वृंदावन में यहाँ पर चल रही है। आप सभी इन सेवाओं को चैनल के माध्यम से घर बैठकर तो देख ही रहे हैं। जो भक्त यहाँ उपस्थित हैं वो स्वयं जाकर उन सभी सेवाओं का दर्शन करते हैं। ऐसी सुंदर सी सेवाएं यहाँ पर चल रही हैं श्री धाम वृंदावन में, आप सभी इन सेवाओं से अवश्य जुड़ें। अब पूज्य श्री महाराज जी कुछ ही क्षणों में मंचस्थ होने वाले हैं, सभी लोग खड़े होकर पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत वंदन करेंगे, और आइए चलते हैं पूजन की ओर आरती की ओर। हरि ओम मा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि आचम्यो प्राणानायम्यो केशवाय माधवाय नारायणाय नमस्तु वृक्षालय ऋषिकेशाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे आरार्तिक्यं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाइश्च प्राणश्च मुखाद्दकनीरजायत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार, ये शांति गीत पावन
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख हरनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग पथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, टिकड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरव कर्णावतारम, संसार सारम भुज गेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदय अरविंद, भवम भवानी सैषम नमामि, भवम भवानी सैषम नमामि, भवम भवानी सैषम नमामि, पुष्पाजलिर्मयाजलिपुरशोत्तमायमंत्रपुष्पाजलिमर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। आप सभी अभी श्रवण कर रहे थे कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में जो विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जहां असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा यहां पर निरंतर चल रही है। यहां पर सुंदर सा एक अन्य क्षेत्र यहां पर चलाया जाता है, जहां पर हजारों की संख्या में साधु संत जरूरतमंद आकर निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। ऐसी सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा और हजारों साधु संतों को अन्य क्षेत्र के माध्यम से यहाँ पर सेवा दी जाती है, और पूज्य श्री महाराज जी की इन सेवाओं को देखकर दूर दूर अंचलों से लोग यहाँ पर पधार रहे हैं और इन सेवाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और उनकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी भी कहीं सेवा हो सकती है। लेकिन एकमात्र स्थान ऐसा गौरी गोपाल आश्रम है, जहाँ पर ये प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं को देखने का हमें अवसर प्राप्त होता है। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा सुंदर से गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर गौरी गोपाल रसोई की सेवा भी चल रही है, जहाँ हजारों तीर्थयात्री, हजारों विद्यार्थी, हजारों जरूरतमंद आकर निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ पर गौरी गोपाल गौशाला भी चलाई जा रही है, गौशाला की सेवा भी आप देख सकते हैं। चैनल के माध्यम से जो भक्त यहाँ उपस्थित हैं, आप गौशाला जाकर उन सेवाओं को अवश्य देखें, कैसे सुंदर सुंदर गौ माताओं की यहाँ पर सेवा हो रही है। जो भी सेवा प्रकल्प यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, सुंदर सी सेवा वहाँ पर की जा रही है। पूज्य श्री महाराज जी स्वयं अपने हाथों से इन सभी सेवाओं को नित्य करते हैं और जाकर इन नित्य सेवाओं को देखते हैं, और ऐसी सुंदर सी सेवाओं को देखकर, ऐसी सुंदर सी सेवाओं से रीझ कर कुछ लोगों ने अपना सहयोग श्री धाम वृंदावन तक पहुँचाया है। आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे। श्री पटेल कुसुमबेन कांति भाई गुजरात से आप 2,04,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री सुदेश खजुरिया पंडित लोकनाथ खजुरिया रत्ना देवी जम्मू कश्मीर से आप सभी सेवाओं से जुड़ रहे हैं और सभी सेवाओं के लिए 1,00,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री सौम्या निमिषाबेन अहमदाबाद गुजरात से 25,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। फतेहलाल जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से 21,000 रुपए, अजय कुमार अंजनी में अंजनी जी अभिषेक बस्ती उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, बाबूलाल दबे प्रभात दबे जोधपुर राजस्थान से 11,000 रुपए, भूपेंद्र कुमार पटेल वैभव पटेल अहमदाबाद गुजरात से 11,000 रुपए, अजय कुमार अंजनी बस्ती उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, शारदा देवी सीकर राजस्थान से 11,000 रुपए, रामावती देवी पश्चिम बंगाल से 11,000 रुपए, स्वर्गीय महादेवी गोवर्धन लाल जी अग्रवाल सिरोही राजस्थान से 11,000 रुपए, अंशु कुमार मधुबनी बिहार से 11,000 रुपए, संतोषी गुनसोला ऋषिकेश उत्तराखंड से 11,000 रुपए, संभव टायल हैदराबाद तेलंगाना से 11,000 रुपए, शर्मा राजेंद्र महेंद्र गुजरात से आप 11,000 रुपए, सुमित्रा देवी लोहारिका कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12,500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, मनोज उमा शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, संजय कुमार जी दिल्ली से 13,100 रुपए, विमला देवी दिल्ली से 11,000 रुपए, शकुंतला देवी जम्मू से 5,100 रुपए, ऊषा गुप्ता दिल्ली से 5,000 रुपए, उत्पल राय पश्चिम बंगाल से 6,000 रुपए, अनिश कुमार नायक जी 5,100 रुपए,
श्री बाबूलाल नगर मंदसौर मध्य प्रदेश से 5,500 रुपए, अमित शर्मा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आप 5,000 रुपए, सत्यपाल जयपुर राजस्थान से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, संपूर्ण कुमार राजस्थान से विशेष सहयोग, विनोद वर्मा वरुण राजस्थान से 2,100 रुपए, सोम प्रकाश सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, जवाहरलाल माली राजस्थान से 2,000 रुपए, रेखा गुप्ता दिल्ली से विशेष सहयोग, सुनील शाह पुष्पा देवी भोजपुर बिहार से विशेष सहयोग, अनंत मल्ला जबलपुर मध्य प्रदेश से 2,100 रुपए, सुचेता मंडल धनबाद झारखंड से 2,100 रुपए, सीमा पांडे मुंबई से विशेष सहयोग, सरोज देवी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, विजंती भगवान पाटिल महाराष्ट्र से विशेष सहयोग, दीपा कुमारी जी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं, अशोक कुमार जी गुड़गांव से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, राजेश पांडे जमशेदपुर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, एवं दीक्षा चौरसिया बिहार से विशेष सहयोग, सकुतला नैनावत जी तेलंगाना से विशेष सहयोग, वीर सिंह उत्तर प्रदेश से 2,100 रुपए, रूपा राणा राय अम्बाला हरियाणा से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, निर्मला जी उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, बसंत राम जी ठाकरे महाराष्ट्र से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, छोका राम चौधरी आप भी विशेष सहयोग पालघर महाराष्ट्र से सहयोग समर्पित कर रहे हैं, सीता देवी शर्मा जयपुर राजस्थान से विशेष सहयोग, आनंद सिंह उधम सिंह नगर उत्तराखंड से 2,100 रुपए, एकता कुरुक्षेत्र हरियाणा से विशेष सहयोग, रिंकू देवी शरण बिहार से विशेष सहयोग, अलका जायसवाल मुंबई महाराष्ट्र से 2,001 रुपए, राजेश गुप्ता जी दिल्ली से आप विशेष सहयोग समर्पित करें, अनीता गुप्ता दिल्ली से 3,200 रुपए, रोहिणी कुमार सुचिता मंडल धनबाद झारखंड से 2,100 रुपए, राजकुमार राय जी मधुबनी बिहार से विशेष सहयोग, नेहा गुप्ता विशेष सहयोग, रीता देवी राजेश जायसवाल शादी की सालग्रह पर आप वाराणसी उत्तर प्रदेश से 2,101 रुपए का सहयोग समर्पित करें, विजय इलेक्ट्रिकल अक्षय कुमार जी अक्षय प्रकाश विजय सोनभद्र उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित करें, शीतल सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, रचित कुमार धनबाद झारखंड से 2,100 रुपए, हरीश प्रसाद राय जी विशेष सहयोग, कमला देवी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग, महेश खंडेवाल जी जयपुर राजस्थान से विशेष सहयोग, विनोद बेड़ा मोनिका जी विशेष सहयोग समर्पित कर रही है, श्री सुदेश जी महेंद्रगढ़ हरियाणा से आप 31,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही है, श्री प्रकाश राय गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आप 31,000 रुपए, बिमलाबाई प्रभाकर जी हिंगोली महाराष्ट्र से 21,000 रुपए, गणपत सिंह चैन अजमेर राजस्थान से 11,000 रुपए, कमला देवी बाबूलाल हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 11,000 रुपए, बहादुर सिंह जी गौ सेवा के लिए 11,000 रुपए, सुनील गिरधर जामभरे जलगांव महाराष्ट्र से 11,000 रुपए, कुमार ज्योति पटेल निरंजन कुमार हजारीबाग झारखंड से 11,000 रुपए, प्रेमलता सनी हरिद्वार उत्तराखंड से 11,000 रुपए, मनोरमा शर्मा राधेश्याम शर्मा जयपुर राजस्थान 13,200 रुपए, मधुस्मिता साहू तुलसी जी आप उड़ीसा से 11,001 रुपए, कमला देवी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 11,000 रुपए, राजीव मंगल साहब विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, एवं राजीव मंगल शाह जी 11,000 रुपए का भी सहयोग समर्पित कर रहे हैं, दुलारी देवी दिल्ली से 5,100 रुपए, आशालता मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 5,500 रुपए, सुमित कुमार गुप्ता झारखंड से 5,100 रुपए, बाबू धन श्रीवास्तव बिहार से 4,100 रुपए, सुंदरबाई निराना रतलाम मध्य प्रदेश से 5,000 रुपए, प्यारीबाई दुर्गा शंकर राजस्थान से 5,001 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री ललित कुमार झा विष्णु गार्डन दिल्ली से 11,000 रुपए, राम कुमारी हिमाचल प्रदेश से 2,100 रुपए, भगवान देवी स्वर्गीय किरण देवी जी गाजियाबाद से 2,100 रुपए, शकुंतला देवी बैतूल से 11,000 रुपए, शिवशंकर त्रिपाठी गोंडा से विशेष सहयोग, स्वर्गीय शंकर प्रसाद शर्मा जी छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, पूजा जी दिल्ली से विशेष सहयोग, गुप्तधन फिरोजाबाद से आप फिरोजपुर से विशेष सहयोग, ममता सिंह चंदेल कानपुर उत्तर प्रदेश से 5,000 रुपए, श्री देवेंद्र दत्त हिमाचल प्रदेश से 11,000 रुपए, धीरज कुमार आगरा उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, राजनी सक्सेना आगरा से विशेष सहयोग, गुप्तदान अलीगढ़ से 500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, कस्तूरी देवी गाजियाबाद से विशेष सहयोग, डीपी परिवार दिल्ली से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, चिता देवी झारखंड से 5,000 रुपए, दिनेश प्रकाश उपाध्याय जी देहरादून से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहें गौरी गोपाल किन सेवा प्रकल्पों से और अपना सहयोग इसी प्रकार समर्पित करते रहें ताकि ये सेवाएं यूं ही निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चलती रहें। आपके द्वारा यहां पर वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है, आपके दिए हुए सहयोग से सेवाएं चल रही हैं, तो आप भी जितने दर्शक चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी अपना सहयोग अवश्य इन सेवाओं में समर्पित करें। और आइए अब इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरी ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री गौरी गोपालाभ्याम नमः। वरहापीडं नटवर वपुः
कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद् गीत कीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ या मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा वृंदावन सोवन नहीं नंद गांव सो गांव वंशीवट सोवट नहीं कृष्ण नाम सो नाम चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज गोरस बैचत हरि मिले एक पंथ दो काज राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी ताको तें सो दें अजगर करें न चाकरी पंछी करें न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय हरि बोल Thank you.
संसार है सागर और सागर होता है गहरा और शरीर है नाव जो कि पुरानी हो चुकी है, शरीर बूढ़ा हो चुका है। तो संसार के सागर में अब ये नौका है पुरानी। अब हमारे पास ऐसा कोई साधन तो है नहीं कि हम पार लग जाएं। अब तो हम पार हो नहीं सकते, हाँ हमें कोई पार लगा दे तो हो जाएंगे, तो हम अपने से तो पार नहीं हो सकते। अब आंखें भगवान पर टिकी हैं कि अब आप कृपा करो और हमें पार लगाओ, वरना हम तो बस डूबने वाले हैं। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी,
जल है गहरा ना वो पुराने। पीछे भावरे मत छोड़ना, ओ पीछे भावरे मत छोड़ना। हरी जी मोरी लागे लगन मन तोड़ना, हरी जी मोरी लागे लगन मन तोड़ना। सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। आपका सेठ कौन, आप किसके नौकर हैं, किसकी नौकरी करते हैं? आप किसी की करते हो, लेकिन ये दास अनिरुद्ध तो गोविंद का ही नौकर है। हम तो भगवान की नौकरी करते हैं, और आप भी अपने आप को भगवान का ही नौकर मानो। हमारे सेठ कौन? तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। हमें कुछ लेना है तो यही हमारे साहूकार है, यही देते हैं। तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मन तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मन तोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे श्री राधे भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की कृपा से भागवत जी की पावन गंगा में डुबकी लगाकर हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की बहुत कृपा है हम सब पर कि हम भारतवासी सत्संग से आध्यात्म से भगवान की कृपा से जुड़े हैं, भगवान को समझते हैं। भगवान के योग्य तो नहीं है फिर भी
भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर। भारत के बाहर कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि धर्म की स्थिति क्या है। भारत में भी आप वृंदावन में हैं, भारत में भी कहीं कहीं धर्म प्रायः लुप्त हो रहा है। धर्म की बातें करने वाला, अच्छी बातें करने वाला, अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोग अब प्रायः कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन इस भारत की भूमि से बाहर रहने वाले श्री जयेश भाई और श्री मोती भाई पटेल जी, कोमल बहन जयेश जी, यूएसए नॉर्थ कैरोलिना, क्या है कैरोलिना, वहां से आप आई हैं मैया। मैया अमेरिका से आई हैं, अमेरिका, अमेरिका भारत से ही मैया हैं, पर कितने वर्षों से आप अमेरिका में हैं? हाँ, 35 वर्षों से आप भारत की धरती पर ही जन्म लिए, खेले, खाए, फिर अमेरिका आप चले गए और अमेरिका आप रहते हैं सा परिवार। और वहां से कथा हमारी मैया श्रीमती कोमल बहन, आप नित्य वहां YouTube पर कथाएं सुना करती थी, जो कथा यहाँ वृंदावन में हुआ करती थी तो ये वहां सुना करती थी। और तभी सुनते 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 भगवान ने इन्हें प्रेरणा दी कि चलो आप भी सुनने वृंदावन भागवत चलो, तो ये वृंदावन चले आई अमेरिका से। तो भगवान की कथा मैया को यहां खींच करके ले आई है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सब, ये भगवान जो है ना, भगवान की कथा जो है ये केवल भारतवासियों को ही नहीं खींचती, दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। और हमारे कन्हैया का नाम ही मनमोहन है, जो मन को मोहित कर ले वही तो मनमोहन है। तो उनकी लीलाएं, उनका धाम, उनकी कथा, उनका नाम सब मोहित कर लेती है और हम सब चले आते हैं वृंदावन। भारत धर्म की भूमि है, भारतवासी ही इसे नहीं पहचान पा रहे हैं। भारत भूमि आध्यात्म की भूमि है, भारतवासी ही इसे नहीं पहचान पा रहे हैं। और पहचाने भी कैसे, आपके पास हीरा है लेकिन आपको उसकी पहचान ही नहीं है, तो आप तो चमकता हुआ पत्थर ही मानेंगे, इससे ज्यादा क्या, क्योंकि आप जौहरी नहीं है। यदि आप जौहरी होते तो आप समझ लेते कि ये पत्थर नहीं है भाई, ये तो हीरा है। ऐसे ही श्री कृष्ण को, श्री राम को, रामचरितमानस को, भगवद गीता को कुछ लोग पत्थर समझते हैं, लेकिन पत्थर वही समझते हैं जिनको परख नहीं है। पत्थर भी कितना कीमती होता है, पत्थर का गुण भी तो जौहरी ही समझता है ना। हमारे सामने तो आप कोई भी पत्थर रख दो पत्थर ही होगा, चमकीला हो या नॉर्मल हो, लेकिन उसकी पहचान तो जौहरी को होती है। उसी तरह पृथ्वी इतनी बड़ी है, पूरी पृथ्वी में लगभग 206 देश हैं, लगभग पूरे धरती में कितने देश हैं, लगभग कुछ कम ज्यादा बंटवारा हो गए होंगे किसी में, तो कुछ कम ज्यादा हो सकता है। जब हम पढ़ते थे तब 206 का आंकड़ा था, 206 देश हैं मैया। इन 206 देशों में मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक देशों की यात्रा करें। आप
से मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यात्रा किया करें। यात्रा करने से बहुत बड़ा अनुभव मिलता है। जैसे मैं लंदन गया, अभी दुबई आगे जाऊंगा, अन्य देशों में जाकर के मैं जब कार्य करता हूं और वहां के कल्चर को समझता हूं। मैया अमेरिका से आई, और भी लोग अन्य देशों से आते हैं, मैं वहां के बारे में जानना चाहता हूं, पूछता हूं, और जब जानता हूं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत श्रेष्ठ क्यों है, यहां की माटी श्रेष्ठ क्यों है। आज ही हमारे पास तंजानिया एक देश है, तंजानिया से एक भाई आए रेमंड शाबान, ये टीवी पर आप देख रहे हैं, रवेनी, वहां से आए ये सिंगर हैं, वहां के गीत गाते हैं ये। जब उन्होंने भारत के बारे में सुना और गौरी गोपाल आश्रम के बारे में सुना तंजानिया से, तो वहां से चलकर केवल गौरी गोपाल का दर्शन करने के लिए आए, यहाँ की सेवाओं को देखा, यहाँ माताओं का दर्शन किया, यहाँ पर अन्य क्षेत्र का दर्शन किया, और यहाँ हमने उनको बताया, हम टेंपल ले गए, मंदिर ले गए, ये वृद्ध माओं का दर्शन वो कर रहे थे। जब वो मंदिर गए गौरी गोपाल भगवान के, तो उनको हमने बताया कि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, ये राधा रानी हैं। उन्होंने प्रणाम किया भगवान को, उन्होंने जानना चाहा कि ये मूर्ति का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, क्या भारत के लोग मानते हैं। हमने उनको बताया कि जो ईश्वर है वो व्यापक है। ईश्वर क्या है? व्यापक है, सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। लेकिन जैसे हवा सब जगह व्याप्त है, पर टायर पंचर हो जाए तो ट्यूब में हवा, सब जगह वाली हवा ना भरी जाएगी, एक मशीन होगी प्रॉपर सटक के द्वारा, पाइप के द्वारा, वो एक मशीन के द्वारा ट्यूब में अंदर प्रवेश करती है। उसी तरह हमारे यहां जो भगवान है सर्वव्यापी है, लेकिन वो सर्वव्यापी क्या, जैसे सिग्नल तो सर्वव्यापी है, पर वो सर्वव्यापी सिग्नल को पकड़ने के लिए पावर हाउस टावर लगाया जाता है, उस सिग्नल को पकड़ता सैटेलाइट से। देखिए सैटेलाइट पूरे में है, पूरे विश्व में फैली हुई है, सब जगह उसकी किरणें हैं, लेकिन उसकी किरणों को एक्सेप्ट कौन करता है, पकड़ता कौन है? बड़े बड़े मोबाइल टावर लगे हुए हैं, वो सैटेलाइट को कैच करते हैं, फिर वो उसको कैच करके फिर वो मोबाइलों तक पहुंचाते हैं, है ना। एक सिग्नल बोलते हैं, पहले एंटीना होता था टीवियों को, एक एंटीना पावर देता था, सिग्नल देता था। उसी तरह जो मंदिरों में मूर्तियां हैं, वो उस निराकार उस परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और वो सारी शक्ति जैसे सैटेलाइट की शक्ति एक टावर में आई और फिर वो टावर से सबके मोबाइलों तक पहुंची, उसी प्रकार जो व्यापक परमात्मा है वो मूर्ति के द्वारा हम सब तक प्रवेश करता है। ये मूर्ति उस ईश्वर को सब तक पहुंचाने का, उस एनर्जी को सब तक पहुंचाने का एक टावर मान लीजिए आप, जो हम सब तक वो पॉजिटिविटी पहुंचाते हैं। इसलिए जब हमने उनको समझाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें करने वाली भगवद गीता इन्होंने ही कही थी, अर्थात श्री कृष्ण ने कही थी, वो व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ और भगवान को प्रणाम किया। मतलब वो भगवान के बारे में जीरो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जब हम लोग बताते हैं ना तो वो सब जानते हैं, जानने लग जाते हैं, जिज्ञासा होती है, वो मानने लग जाते हैं। कुल मिलाकर समाज में पता है क्या है, संसार में
धर्म का प्रचार जितनी तेजी से जिस मात्रा में होना चाहिए अभी उस मात्रा में हुआ नहीं। इसलिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि आप जहां हैं, अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, जापान में हैं, फ्रांस में हैं, इटली में हैं, इत्यादि देशों में जहां हैं वहां रहिए और अपने भारतीयता को, अपने संस्कृति को सब तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारी मैया कोमल मैया यहाँ आई, श्री जयेश भाई, श्री मोतीलाल भाई पटेल जी यहाँ आए और श्री विनोद भाई, पीयूष भाई, राजेंद्र भाई सब परिवार गुजरात से हैं, हेना शैलेश भाई पटेल, आप सभी लोग, सपना बहन, भारतीय बहन, रोहित भाई पटेल, गीता बहन पटेल, आप सभी पूरा परिवार यहाँ आए हैं और प्रेम पूर्वक कछा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। कछा जीवन में कितनी आवश्यक है हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम ठीक चल रहे हैं, ठीक राह पर, लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, क्या करना है इससे आगे। लोग तीन काम में उलझे हुए हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब उल्टा सीधा खा रहे हैं और खूब भोग विलास का आनंद ले रहे हैं। खाओ पियो मौज करो, तीन बातें आजकल लोग यही तो कर रहे हैं, खाओ पियो मौज करो। अच्छा मौज क्या है? हमारे यहां मौज कहा वाह वाह रे मौज फकीरा की, मौज किसकी है? अब मैं आपको मौज की परिभाषा दे दूं, खाओ पियो मौज करो किस किस को पता है? आजकल के बच्चे बोलते हैं ना खाओ पियो मौज करो, क्या रखा? खाओ पियो, चलो बताओ क्या खाओ? खाओ पियो मौज करो में जो खाओ शब्द है क्या खाओ? आप बताओ क्या खाओ? क्या खाओ? पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, मक्खन खाओ, प्रसाद खाओ, क्या खाओ? हाँ? आत्मा खाओ, आत्मा का भोजन। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, खाओ। क्या खाओ? खाओ का मतलब है खाओ, बिना खाए कैसे जीवन चलेगा? खाओ तो ठीक है पर हमारे यहाँ खाने में भी विचार है, क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमारे यहाँ खाने में क्या है? विचार है ना, क्या खाना है और क्या। इसलिए हमारे यहाँ जब भी भोजन बनता है तो भोजन बनने के बाद पहले एक थाली निकाली जाती है, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी तुलसी का पत्ता डालकर पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है। और जब भोग लग जाएगा फिर वो दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिला दिया जाएगा तो पूरा भोजन बन जाएगा प्रसाद। तो खाओ क्या? प्रसाद खाओ। हमारे यहाँ 56 भोग का प्रसाद है, जो भगवान जी ग्रहण कर लेते हैं वो हमारे लिए प्रसाद हो जाता है। तो क्या खाना है? वही खाना है जो भगवान को भोग लगता है, जो संतों को भोग लगता है, जो खाने योग्य है, मांस खाने योग्य नहीं है। क्या खाओ? 56 भोग खाओ, प्रसाद खाओ, मांसाहार ना खाओ, उल्टा सीधा ना खाओ। तो क्या खाओ? प्रसाद खाओ। प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी में क्या है? प्रसाद। जगन्नाथ जी एक वहां, जगन्नाथ जी में ना, जगन्नाथ जी पुरी उड़ीसा, जगन्नाथ जी में मैया ब्रह्मा जी रोज प्रसाद पाने आते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी लेट हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा पुजारी जी जरा प्रसाद दो। अरे लेट हो गए, सब खत्म हो गया। अरे थोड़ा तो बचा होगा। हाँ हाँ वो भक्तों ने, आप लोग जैसे आप लोग प्रसाद पाते हो ना तो खाने के बाद प्रसाद पत्तल फेंक देते हैं तो फिर उसको कुत्ता चाटता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रसाद कहाँ? बोले खत्म हो गया। बोले कहाँ है? बोले जहां सारे लोग दोना पत्तल फेंकते हैं वहां जाके देख लो, पत्तलों में होगा तो वहां कुत्ता चाट रहा था। और एक कुत्ता नहीं, बहुत सारे कुत्तों का पता ही था कि यहाँ रोज पत्तल होती है। तो
अपने टाइम से पहुंच जाते हैं कुत्ते, तो कुत्ते चाट रहे थे पत्तल, और लगभग सारी पत्तल कुत्ते चाट चुके थे। एक पत्तल में जरा सा वहां पर चावल था जो भगवान जी को भोग लगता, भात का, भात बोलते हैं जगन्नाथ के भात, वो कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी को लगा कि यदि मैं इसका हक छीनूंगा तो भी गलत है भाई, प्रसाद छोड़ा के ऐसे थोड़ी कि नहीं जी आप तुम भूखे रहो तो रहो हम खाएंगे पूरा, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मा, वो कुत्ता ना वहां चाट रहा था पत्तल, तो ब्रह्मा जी वहां जाकर के लेट गए, और लेट करके ना एक तरफ उस सामने तरफ से कुत्ता चाट रहा था और इस तरफ थोड़ा प्रसाद था, तो ब्रह्मा जी चाटने लग गए, खाने लग गए। और जब ब्रह्मा जी को ऐसे पत्तल चाटते देखा कुत्ता के साथ, तो एकादशी को हंसी आ गई। वो दिन था एकादशी का, एकादशी को बड़ी हंसी आ गई, अरे ब्रह्मा इतने बड़े ब्रह्मा कुत्ते के संग खा रहे हो। तब भगवान जगन्नाथ जी, ब्रह्मा जी के अंदर प्रसाद के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बस प्रसाद मिल जाए एक दाना, भले कुत्ते का जूठा मिले, चूंकि वो भगवान का प्रसाद है इसलिए वो प्रसाद के रूप में। जब ब्रह्मा जी ने प्रसाद को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया तो उन्हें जगन्नाथ भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। और एकादशी हंसी तो एकादशी को मंदिर के उल्टा पीछे लटका दिया, अब आप यहीं रहोगे उल्टी। और एकादशी जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी भले ना करे पर एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगता है और भक्त पाते हैं, और वहां चावल पाने के बाद भी एकादशी का व्रत नहीं टूटता, एकादशी वहां पे तब भी होती है, उल्टी लटकी है एकादशी। इसलिए कोई आपसे सवाल करे कि जगन्नाथ जी में एकादशी उल्टी क्यों लटकी है, इसलिए लटकी है क्योंकि ब्रह्मा जी को हंस दिया था प्रसाद पाते हुए देखकर। इसलिए खाओ, क्या खाओ, क्या खाओ, प्रसाद। आप लोगों से इस कथा के माध्यम से कहना सिर्फ इतना है कि बिना भोग लगाए मत खाओ, जो खाओ पहले तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। घर में सोना चांदी भी खरीदो तो पहले भगवान को अर्पित करो, कपड़े खरीदो भगवान को अर्पित करो, कोई भी चीज आए पहले भगवान को अर्पित करो सब कुछ। इसलिए हमारे यहाँ जब नया घर बनता है तो उस घर में भी सबसे पहले भगवान का ही प्रवेश होता है, घंटा बजाते घंटी बजाते, प्रभु ये आपका है हमारा। हम भारतीय हैं ना, हम अपने को पीछे रखते हैं प्रभु को आगे रखते हैं, और जो अपने को आगे रखे वो ठीक नहीं है। यही तो धर्म है, हम ईश्वर के ऋणी हैं, उनकी पूजा का अर्थ क्या। लोग कहते हैं हिंदू लोग दिन भर पूजा करते हैं, क्यों करते हैं हिंदू लोग इतनी पूजा, इसलिए करते हैं क्योंकि हम कभी किसी का एहसान भूलते नहीं हैं। हम जिससे लेते हैं ना उसको देने का प्रयास करते हैं अपनी हैसियत से। देखो हम हिंदू कितने पागल हैं आप जरा समझिएगा, अब इसे आप अच्छा मानो या बुरा मानो पर मान लो, हम सूर्य भगवान से प्रकाश लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो एक लोटा जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद देने की कोशिश करते हैं, हे प्रभु आपकी जय हो, आप हमें इतना देते हो तो आप गर्म हो तो हम शीतल, एक लोटा जल तो दे ही सकते हैं, इसलिए जल चढ़ाने का हिसाब है। अब इसे आप पागलपन मान लो तो मान लो, क्यों गाय हमें दूध देती है, गाय माने तो केवल एक साल दो साल चार साल पांच साल तक दूध पिलाया, हाँ या ना, लेकिन आज तक तो गाय ही हमारे को दूध पिला रही है। तो जिसने दूध दिया, दही दिया, मक्खन दिया, घी दिया, हमने उसके सम्मान में उसे माँ कहना स्टार्ट कर दिया। अब आप हमें पागल कहो तो कहो कि तुम तो गाय को माता कहते हो, बताओ वो तो जानवर है, हाँ तुम उसे जानवर मानो स्वतंत्र हो, पर हम हिंदू हैं ना, हम जिससे लेते हैं उसको सम्मान देते हैं। गाय की हमने पूजा की, और केवल हमने नहीं हमारे भगवान ने पूजा करी, श्री कृष्ण आए गौ माता की सेवा की,
मैसेज दिया कि सेवा करो, गौ माता की सेवा पूजा, लिया है तो दिया है, हम लेते हैं तो देते हैं। हमने नदियों से पानी लिया, हमने नदियों से पानी लिया तो हमने बदले में नदियों को मां कह करके संबोधित किया। यह हमारी माता है नदी, गंगा मां, यमुना मां, सरयू मां, सरस्वती मां, गोदावरी मां, नर्मदा मां, हाँ या ना? सम्मान। अब इसमें आप हिंदुओं को पागल कहो तो कहो भैया, नदियों को हमने मां कहा, उनकी पूजा की। हमारे यहां जितने भी व्रत उपवास, अब देखिए ना, छठ का पर्व होता है, छठ पर्व होता है हमारे भारत में, वो छठ पर्व जाकर के जिसके पास जो नदी है उस नदी में ही तो वो छठ पर्व मनाता है। गंगा के किनारे वाले गंगा में मनाते, नर्मदा के किनारे वाले नर्मदा में मनाते, यमुना के किनारे वाले नदियों में होता है वो पर्व, नदियों में जाके लोग जलाशय में स्नान करते हैं। हमारे यहां क्या है, पूर्णिमा आई तो स्नान दान, नदियों में जाओ, नदियों में स्नान करो, पूजा करो, दूध चढ़ाओ, नदियों में दूध चढ़ाओ। अब नदियों में दूध, क्या नदी दूध पीती है? बोले ना, नदियों में मछलियां होती हैं, वो मछली दूध पी लेती है। तो हमारे यहां तुलसी की पूजा, तुलसी सबसे बड़ी औषधि है। क्या है ये औषधि? है औषधि है ये, इसलिए हम लोग तुलसी की पूजा, ये हमें बीमारियां ठीक करती है ना ये हमारी। अब तो लोग तुलसी का पत्ता नहीं खाते, पहले हमारे यहां प्रसाद मिलता मंदिरों में तो तुलसी मिलती, चरणामृत मिलता, तो मतलब 5-10 पत्ते रोज आदमी के अंदर जाते थे तुलसी के, और ये जाना भी चाहिए। हमारे कितना वैज्ञानिक है हमारा धर्म। मेरी माँ, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो प्रसाद में तुलसी मिलेगी आपको, चरणामृत पिएंगे तो तुलसी मिलेगी, और ये सामान्य बात नहीं है, ये औषधि है, भगवान की प्रिया तो है ही, लेकिन ये औषधि है, पुराणों में महिमा है। तो जब इतना कुछ दिया इन्होंने तो हमने तुलसी को माता कहा, पूजा करी। पीपल की पूजा, ऑक्सीजन देता हमें, पीपल की पूजा। समुद्र की पूजा करी, समुद्र। कुल मिला के हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, रग रग में बसा है आध्यात्म और प्रकृति, इसलिए हिंदू धर्म को समझना ना इतना भी सरल नहीं है। हम जो भी करते हैं उसका पूरा वैज्ञानिक कारण है, जुड़ाव विज्ञान के तरीके से है, प्रकृति से कनेक्ट है हम लोग ऑलरेडी पहले से, इसलिए हिंदुओं को समझना सबके बस का नहीं है। हिंदुओं के रीति रिवाज इस धरती के सबसे कठिन रीति रिवाज हैं। किसी का कॉपी कर लेना भी आसान नहीं है। हमारी भाषा सबसे कठिन संस्कृत, हमारा पहनावा सबसे कठिन धोती। बताओ, तुम्हारे नाना जी दादा जी दो धोती पहन लेते हैं, तुम किसी से पहनवाओ पहन के दिखाए धोती पहन। हमारी माताएं जो धोती पहनती हैं, ये धोती भी इतनी सरल थोड़ी है सबके बस की। अंग्रेजन को पहनाओ जो नहीं जानते इस चीज को, जो वो पहनते हैं वो तो आप एक मिनट में पहन लेंगे, लेकिन जो आप पहनते हैं वो घंटे भर में भी नहीं पहन पाएंगे बिना बताए। मतलब हमारा जो कल्चर है कॉपी भी नहीं कर सकता कोई, हाँ या ना? तो भारतीयता कोई सामान्य नहीं है। मेरी माँ, हमारे कन्हैया टेढ़े हैं, यूं ही थोड़ी हैं। सीधी चीज को आदमी समझ जाए, टेढ़े को थोड़ी समझे। तो टेढ़ी टांग वाले को ना कोई जल्दी उनको समझ पाए, ना उनकी कही गीता समझ पाए, ना उनकी कथा जल्दी कोई समझ पाए। ये तो खग जाने खग ही की भाषा, वो तो आपको बचपन में विरासत में कृष्ण मिल गए हैं तो आप फिर भी कृष्ण को कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ क्योंकि भारत में ही पैदा हुए हैं तो विरासत में मिले हमें श्री कृष्ण। हमारा कल्चर तो, हमारी सभ्यता तो हमें विरासत में मिली है। हमारे यहाँ तो पैदा छोटा सा बच्चा भी राम राम करता है, जय श्री कृष्णा करता है, क्योंकि बचपन से सुन रहा है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, यही सुनते सुनते बड़ा होता है।
भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए। तो ये तो हमारी विरासत में हमें मिला ही है, इसलिए हमें विरासत में मिली चीजें, इसलिए हम उनकी कदर नहीं कर पाए, उनको समझ नहीं पाए। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने धर्म को जानिए। और क्या खाओ तो प्रसाद खाओ, खाओ पियो। क्या पिए उत्तर, क्या पिए? खाओ पियो मौज करो। खाओ मतलब प्रसाद खाओ, पियो क्या पियो? शराब पियो, क्या पियो? चरणामृत। क्या पियो? केवट बोला राम मैं पार तब लगाऊंगा जब आपके चरण धोऊंगा। और जब चरण धो लिया बोले अब नहीं लगाऊंगा, और बैठो। अब तो धो लिया भैया, अब तो पार लगा ना, अभी नहीं लगाऊंगा। फिर बोले अभी जो वेटिंग में खड़े हैं पहले उन्हें तो पार कर दो। राम जी बोले यहां तो कोई नहीं है मेरे सिवा। बोले ना अभी मेरे पूर्वज हैं, मेरे पितर हैं, आपके चरणों का धौमन उनके नाम से छिड़क दूं, पहले वो भवसागर से पार हो जाए फिर मैं गंगा पार लगाऊं आपको। राम के चरणों का चरणामृत छिड़काव करता है पितरों के नाम से, उसके पितर पार होते हैं, तब केवट चरणामृत पीता है और फिर राम को पार लगाता है। तो क्या पियो? चरणामृत पियो। आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि जो चरणामृत पीता है उसकी कभी आकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजा करो, कहीं भी आप जाया आया करो तो चरणामृत पीकर ही घर से निकला करो। रोज नियम बनाओ, भगवान गोपाल जी को नहला के, शालिग्राम भगवान को नहला के जो जल बचता है वही चरणामृत कहलाता। भगवान को स्नान कराया हुआ जल जो बचता है वो क्या होता है? चरणामृत है, वो पियो। और हम तो कहते हैं रोज अपने पितरों का नाम लेकर, अपने दादा परदादा जो भी हैं, हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वज, आपके लिए यह चरणामृत। रोज चरणामृत का सिंचन करो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। हमारे पितर किस दिशा में होते हैं? दक्षिण में। तो दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों के नाम से भी यूं कर दिया करो, जरा चार बूंद छिड़क दिया करो। मान्यता ही तो है ना, क्या घट रहा है? अब इसे कोई पागल पने महाराज जिससे क्या हो जाएगा? अरे यार बहुत कुछ हो जाएगा। छत में आप चढ़ जाओ तो नेटवर्क मिल जाता है, नीचे आओ तो गायब हो जाता, बहुत कुछ होता है। हाँ या ना? क्यों मेरी माँ? आप छत में चढ़ जाते हैं तो इंटरनेट तेजी से चलता है, कमरे के अंदर कम चलता है, स्पीड कम पकड़ता। हाँ या ना? मतलब है ना, अंतर है ना, ऐसे ही है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके छिड़काव करने से वो कुछ ना कुछ, आप मानो ना मानो, वो दिखने वाली चीजें नहीं है, हैं। पर तो आप करो, तो खाओ पियो। क्या पिए? चरणामृत पियो, रोज पिया करो। और एक चीज और पीनी है, पिवत भागवतम। क्या पीना है? सत्संग कथा पीने की है। भागवत जी में लिखा है कि भागवत सुनने की नहीं है, ये तो मधुर फल है, पियो कानों से, कानों से पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है पियो। तो क्या पिए? कथा पियो। क्या पिए? चरणामृत पियो। और खाओ पियो मौज करो। अभी आप तीसरा आप बताओ, ये मौज क्या है? क्या मौज करें? क्या मौज करें आप लोग? क्या मौज? ये मौज क्या होती है आप बताओ, भैया बताइए। हाँ यहां बैठे हैं, यही मौज है। मौज की परिभाषा आज के नौजवानों को समझाओ। ये लोग ना किसी लड़का लड़की के संग घूमने को मौज मान, अरे मौज कर रहे हैं। आजकल तो शादी हुई हनीमून में भागे, क्या कर रहे हैं? मौज कर रहे हैं। ये भोग विलास को मौज मानते हैं, है ना? तो ये तो मौज देखो सुअर भी कर रहे हैं फिर। इसलिए मौज ये नहीं है। मौज क्या है? संसार का कोई भी सुख होगा
क्षणिक होगा, जरा सी देर का, लेकिन भगवान की कथा में कीर्तन में आप जब मौज लेंगे तो घंटों तक आप मौज में रहेंगे, 3 घंटे तक तो यहीं रहेंगे आप। तो ये मौज है, अब आप यहाँ मस्त होके झूमते हैं, नाचते हैं, आनंद लेते हैं, कथाओं का रसपान करते हैं, यही तो मौज है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना सुख भगवान की कथा में है इतना सुख किसी चीज में नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देख ही लीजिएगा, संसार का सुख क्षणिक है, जरा सी देर का है। और एक बात और बताएं, संसार का जो भोगों का सुख है, बीता हुआ सुख जब आप याद करते हैं सांसारिक, तो आपको सुख होता है कि दुख? आपको संसार के भोगों से ना थोड़ी देर के लिए ग्लानी हो जाती है, क्या होती है? ग्लानी हो जाती है। लेकिन अब आप वृंदावन आए और जब वृंदावन से आप जाएंगे तो यहां बिताए हुए पल को याद कर करके आप खुश होंगे, क्योंकि इस आध्यात्म से जुड़ने के बाद जो पल आप यहां बिताते हैं उस पल को याद करके आप खुश होते हैं, वो पल आपको याद आते हैं, आपको खुशी मिलेगी, याद आएगी भगवान की तो आंखों में आंसू आएंगे। ये पल यहां बिताया हुआ पल जब आप जाएंगे तो पल पल याद करेंगे यहां बिताए हर पल को, ये पल आपको सुख देगा, सुख देगा, सुख देगा। लेकिन आप संसार में कोई भी घटना याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, वो चीज सिवाय दुख के कुछ नहीं देती। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भगवान से जुड़ी हुई कोई भी बातें हम करते हैं तो वो हमें बाद में सुख देती हैं, बाद तक सुख देती हैं, जबकि संसार का आप खाओ, खाने का सुख तब तक है जब तक खा रहे हैं, पेट भरा नहीं है, पेट भरते ही रसगुल्ले का स्वाद खत्म हो जाता है। पहला रसगुल्ला खाएंगे तो स्वाद ज्यादा होगा, दूसरा खाएंगे तो भी ठीक, तीसरा खाएंगे कम, चौथा खाएंगे और कम, पांचवा, जितना ज्यादा रसगुल्ला 10 खाने के बाद तो नहीं नहीं अब नहीं है, अब खाएंगे सारे बाहर आ जाएंगे, मतलब आप तृप्त हो गए, पेट भर गया, आपने रबड़ी कितनी खाओगे आप, पहला चम्मच खाओ, दूसरा चम्मच खाओ, तीसरा खाओ, धीरे धीरे आप तृप्त हो जाएंगे, ज्यादा खबाएगा कोई तो ग्लानी हो जाएगी, भाई अब नहीं। तो संसार का सुख तुरंत ग्लानी तक पहुंचाता है, लेकिन आपको मैं 3 घंटे रोज कथा सुनाऊंगा, 3 घंटे रेगुलर, क्या आप 3 घंटे रेगुलर खा सकते हैं? उत्तर दो, क्या संसार का कोई भी सुख रेगुलर 3 घंटे आप क्या ले सकते हैं? क्या पति पत्नी का सुख भी रेगुलर 3 घंटे आप ले सकते हैं? नहीं। इसलिए कोई सुख नहीं है इस संसार में जो इतना लंबा लिया जाए, क्योंकि हर सुख से पेट भर जाएगा, लेकिन 7 दिन की कथा सुनने के बाद पेट भरेगा नहीं और प्यास बढ़ जाएगी। ये आनंद है, यहां भरने का कुछ नहीं है, यहां तो बस समाता जाए, समाता जाए, भरने का नहीं है, जो भर जाए वो आनंद थोड़ी है, जो भरे ही ना, आनंद तो वो है। इसलिए भगवान का नाम आनंद है, नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम सुख नहीं है, क्योंकि सुख होगा तो दुख भी होगा, यदि आप सुख चाहते हो तो दुख भी आएगा, इसलिए अनिरुद्धाचार्य सुख नहीं चाहता, क्योंकि सुख आएगा तो दुख आ जाएगा, इसलिए हम सुख नहीं चाहते, हम तो आनंद चाहते हैं, प्रभु आपके आनंद में रहें, आपके चिंता, क्योंकि आनंद है तो आनंद का उल्टा नहीं है ना कुछ, सुख आएगा तो दुख आएगा, दिन आएगी तो रात आएगी, हानि है तो लाभ है, सबका उल्टा है, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं है, यहां सब सीधा है ना मेरी मां, इसलिए आपको क्या चाहिए, सुख या आनंद? आनंद। आप लोग रोते हो ना महाराज जी हम सुखी नहीं है, हमें सुख नहीं मिला, सुख जैसी सुख नाम लिया, सिक्का लिया तो दोनों पहलू आ गए, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू,
इसलिए आनंद, आनंद में एक ही पहलू है, सिर्फ आनंद, दूसरा कुछ हो तो बताओ। अब इसमें परम जोड़ देंगे तो परम आनंद हो जाएगा, परमानंद मतलब बढ़ते क्रम में है, यहां घटना कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को लोग क्या कहते हैं, आनंद। भगवान की कथा में क्या आता है, आनंद। भगवान के प्रसाद में क्या आता है, आनंद। सत्संग में क्या आता है, हाँ, भगवान के लिए मीरा नाचती पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, हाँ मीरा नाचती थी क्योंकि भगवान के लिए नाचने में भी आनंद है। इसलिए भगवान के लिए नाचा जाए। अच्छा वैश्या भी नाचती है, ओ मुजरा करती है, तो नाचती तो वो भी है लेकिन उसके नाचने में आनंद नहीं है, उसके नाचने में सुख है। जो पुरुष वर्ग, जैसे पहले गांव गांव नचनिया आती थी ना, हाँ या ना, आपके गांव में आती थी पहले गांव गांव में कौन आता था, नचनिया आती थी तो वो नाचती थी, तो जितने गांव के चार छह गांव के बूढ़े लोग साइकिल में बैलगाड़ी में चढ़ चढ़ के दौड़ते थे, आ रही है और वो जाया करते थे और बढ़िया पावर वाला चश्मा लगा के देखा करते थे। तो जरा बताओ ये नचनिया जब आती थी और नाचती थी तो ये बुढ़ऊ लोग क्या देखने जाते थे उसको, और अधिकांश वो लोग देखने जाते थे जिनकी डोकरी निपट चुकी है। अब कोई है ही नहीं तो देख के गुजारा करें, तो वो देखते रहते थे। पहले के जमाने में टीवी भी नहीं थी ना, मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी तो कुछ था ही नहीं देखने सुनने के लिए सिवाय नचनिया के तब उसी को लोग देखा करते थे। अच्छा देखने में उन्हें क्या मिलता था, सुख। तो जब तक वो नाचती तो सुख, और जब जाने लगती तो सारे लोग रोए अब कब आओगी तो दुख। अच्छा दुख तो वहां भी है, और जब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण गए तो दुख तो गोपियों को भी हुआ, यशोदा मां को छोड़कर कृष्ण गए तो दुख तो वहां भी हुआ। अब दोनों दुख में अंतर है, आपको छोड़कर एक वैश्या जा रही है, आपका दिल एक वैश्या में आ गया और आपको छोड़ के वो जा रही है तो आप उसके लिए रो रहे हैं, और एक भक्त, एक यशोदा माँ, एक गोपियां कृष्ण जा रहे हैं मथुरा से, वृंदावन से मथुरा, तो उनके लिए भी रो रही हैं। फर्क कितना है, एक जगत के लिए रो रहा है, एक जगन्नाथ के लिए रो रहा है, दोनों का रोना अलग अलग है। जो संसार के लिए रोता है वो रोना कीचड़ के जैसा है, वो रोना कीचड़ के जैसा है, और भगवान के लिए रोना कमल के जैसा है। इसलिए भगवान के लिए मीराबाई रोई। देखना है तो किसे देखें, इसलिए आंखों का विषय है देखना, पर क्या देखना है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, जितने लोग दर्शक बने तमाशा देखे ना, सबका नाश हुआ है, एक भी बचा हो तो बताओ। द्रौपदी के उस दृश्य को खींचते हुए साड़ी को, उसके बदन को जिसने देखा, उस सभा में जितने थे, भीष्म पितामह सहित, गुरु द्रोणाचार्य सहित, उस सभा में विदुर जी नहीं थे तो विदुर जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, उस सभा में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा नहीं थे इसलिए महाभारत के बाद भी अश्वत्थामा को मारा नहीं गया, उस सभा में कृपाचार्य नहीं थे इसलिए कृपाचार्य बाद में भी बचे रहे, जो था सारे मारे गए, जो नहीं थे वो सुरक्षित रहे हैं। इसलिए आंखें देखने का काम तो करती हैं, पर भगवान ने ये बुद्धि दे रखी है कि उन आंखों से क्या देखें और क्या, हाँ कानों का काम सुनना तो है पर विवेक दे रखा है कि भैया क्या सुनो और क्या, तो क्या खाओ
तीनों दोहराओ, क्या खाओ? प्रसाद। क्या पियो? चरणामृत। खाओ पियो मौज। क्या मौज करें? बोले भगवान की कथा में मौज करो, भगवान के नाम में, घर में कीर्तन करो, घर में पति पत्नी दोनों पूजन करो और मौज करो आनंद से भगवान का दरस परस करके, ऐसी मौज। तो हमारे यहां खाओ पियो मौज करो कि ये परिभाषा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सत्चित आनंद, भगवान के बारे में बताया गया भागवत जी में कि भगवान कैसे हैं। सत्चित आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं और सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान हैं। कुल मिलाकर अर्थ ये निकला कि जो भगवान की शरण में है वो भगवान की शरण में रहने वाला हर दुख से दूर है। दुख कितने प्रकार के होते हैं आप बताओ? हाँ, कौन कौन से आप बताओ? मैया, दुख कितने प्रकार के होते हैं आप बताओ? दुख कितने प्रकार के होते? तीन प्रकार के होते, ठीक है। कौन कौन से आप बताओ? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। दुख तीन प्रकार के होते हैं। पहला दुख होता है तन का दुख, शारीरिक दुख, पीड़ा है, बीमारी हो गई, तन दुखी। एक दूसरा मन दुखी, डिप्रेशन, चिंता, मन का रोगी। हाँ मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो। ये प्रेम रोग वाले लड़का लड़की जो है ना, ये सब मन के रोगी हैं। हाँ या ना, एक तन का रोग एक, और तीसरा धन का रोग। तन मन धन, या तो आदमी धन के लिए परेशान है, या तो मन से परेशान है, या तो शरीर से परेशान है, चौथी कोई परेशानी हो तो बताओ। हाँ या ना, इसलिए तन मन धन, जो भगवान की शरण में रहेगा ना उसका तन परेशान करेगा, ना मन परेशान करेगा, ना धन की कमी होगी। इसलिए भगवान के आश्रित रहो। धन, लक्ष्मी जी जिनके पांव दबा रहे हैं, आप उनके पांव दबाओ, लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे। लक्ष्मी जी के आप पुत्र कहलाओगे। ऐसे श्री कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सुखदेव भगवान, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े सन्यासी। देखो सुखदेव भगवान को जानते हैं ना आप लोग? कौन है ये सुखदेव भगवान? ये सुखदेव भगवान वही है जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? मैया, किसने सुनाई? सुखदेव भगवान। इनका नाम सुखदेव क्यों पड़ा? क्योंकि सुख से इनका जन्म हुआ। सुख मतलब तोता, सुख मतलब, हाँ सुखदेव, सुखदेव का मतलब है कि जब भगवान शंकर माता पार्वती को लेके अमरनाथ गए और वहां शंकर जी ने अमर कथा माता पार्वती को सुनाई, तो सुखदेव भगवान ने भी कथा सुन ली। एक तोती का बच्चा था छोटा सा, सारे पक्षी पशु भाग गए, सुखदेव भगवान ने सुनी सारी कथा। और जब 7 दिन की कथा पूरी सुन ली, बीच में माता पार्वती सो गई, तो सुखदेव भगवान ही हुंका देते रहे।
सात दिन की कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, और जयकारा लगाई तो माता पार्वती की नींद खुली। माता पार्वती बोली आगे क्या हुआ प्रभु? शंकर जी बोले आप कहाँ थी, मैं तो पूरी कथा सुना चुका। पार्वती जी बोली प्रभु मैं सो गई थी। अच्छा, हुंका तो बराबर मिला, किसने दिया? शंकर जी ने देखा तोते ने, त्रिशूल निकाला मारने चले, तोता भागा वहां से तो पहुंचा बद्रीनाथ, पहुंच गया तोता अमरनाथ से उड़ा तो कहां पहुंचा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में वेदा व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर धूप में बैठी अपने बाल सुलझा रही थी कि तभी उन्हें जमहाई आई, मुंह खुला तो मुंह के द्वार से तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में सुरक्षित। शंकर जी आए, देवी देवी हमारा तोता यहां चोरी करके भागा। व्यास जी की पत्नी बोली क्या चुरा लिया आपका? बोले कथा, हमारी तो कथा ही धन है। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली हे भोलेनाथ आप बहुत भोले हो, जब आपकी अमर कथा तोते ने सुन ही ली तो फिर वो मरेगा कैसे, और आप यदि मार दोगे तो अमर कथा की फिर महिमा क्या रह जाएगी। शंकर जी चुपचाप कैलाश चले गए। बात तो यह थी तोता को ही कथा सुनवानी थी, पार्वती माँ को निमित्त बनाया। वो तोता अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहा और कृष्ण की कथा सुनने के बाद कृष्ण का चिंतन इतना किया इतना किया इतना किया सुखदेव भगवान ने कि वो तोते से सुखदेव बन गए। अब आप कहेंगे महाराज जी तोता से सुखदेव कैसे? बिल्कुल संभव है। जर्सी गाय क्या है? मैं देखो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट जो हो चुके हैं उस पर मैं बात करता हूं। जर्सी गाय क्या है? जर्सी गाय, जर्सी जो है वो गाय नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत समय पहले ये जर्सी कोई प्रजाति थी ही नहीं, इसको बनाया गया है। हा या ना, उत्तर दो। कैसे बनाया? सुअर का पदार्थ निकाल करके और एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये जो जर्सी है ना, उस वो नस्ल एक्चुअली सुअर से उत्पन्न हुई नस्ल है, उसमें मिक्सअप है, मिलावट है, शुद्ध भारतीय देसी गाय नहीं है। देसी गाय तो देसी गाय होती है। जैसे सुअर का अंश डाल दिया गया अन्य किसी जानवर में, एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो नस्ल तैयार हुई, फिर उसमें सुअर का अंश डालते 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 ये फिर उसकी प्रजाति तैयार होगी। एक जैसे आप गुलाब, सफेद गुलाब में लाल गुलाब की कलम जोड़ दो तो उसमें पिंक गुलाब पैदा हो जाएगा, एक तीसरा ही प्रजाति प्रकट हो जाएगी। हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? उसी तरह ये बनाई गई प्रजाति है। उसी तरह जैसे एक के मिक्सअप से दूसरे में यदि उसको मिक्स किया जाए तो तीसरा होता है कि नहीं, उसी तरह सुखदेव भगवान में, भगवान सुखदेव में, शुक्र तोते में भगवान की कथा मिक्स हो गई, शंकर जी के द्वारा मिक्स हुई और उस तोते ने उस कृष्ण का चिंतन किया, जिनकी कथा सुनी उनका चिंतन किया, तो भगवान की कथा का चिंतन करते 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 12 साल में वो सुखदेव सुख से साक्षात भगवान की तरह प्रकट होकर के माँ के गर्भ से बाहर आए। बदल गई नस्ल, तैयार हो गई। सुखदेव भगवान सुख तोते से मनुष्य रूप, मनुष्य नहीं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान का चिंतन कर करके वो भगवान हो गए, भगवान के जैसे दिव्य हो गए। इसलिए भगवान ही, सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट भए, राजा परीक्षित को भागवत सुनाने ये मानना चाहिए। वही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई जो जन्म लेते ही 12 साल बाद प्रकट भए और जन्म लेते ही चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं, बोलिए सुखदेव भगवान की जय।
सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से परीक्षित जी को भागवत सुनाकर उनका कल्याण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 संत जुड़े। उन 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा जिससे हमारा कल्याण हो, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, भक्ति बढ़े ज्ञान बढ़े ऐसी कथा सुनाइए। तब कहा सुनो, जो कथा अब हम आपको सुनाएंगे वो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवराज इंद्र, देवताओं के राजा कौन? मेरी माँ मैया, ओ मेरी माँ चश्मा वाली मैया, कहाँ देख रही हो मेरी माँ? मैया राम राम, कहाँ ध्यान है आपका? सुनो, देवताओं के राजा कौन? देवताओं के राजा इंद्र। देवताओं के राजा हैं इंद्र। एक बार इंद्र आए कथा सुनने के लिए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, भागवत की कथा। तो कहा इंद्र ने कि आप हमें भी सुनाइए ये कथा। सुखदेव भगवान बोले, आप इसके अधिकारी समझ में नहीं आ रहे। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचह क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहास। क्वा सुधा, कहा अमृत, क्व काचह, कहा कांच का टुकड़ा, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि? स्वर्ग के अमृत को सुखदेव भगवान ने कांच का टुकड़ा कहा और कथा अमृत को मणि कहा। कहां मणि और कहां कांच का टुकड़ा? तुम क्या बोल रहे हो इंद्र? स्वर्ग का अमृत लेकर भी सुखदेव भगवान ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई। बोले, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, जाओ। 7 दिन में जब परीक्षित जी का उद्धार हुआ और स्वर्ग में तराजू बांध कर इंद्र ने तौला, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। वाह इंद्र, तू हमसे तौलने चला? इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ पोथी नहीं है, भगवान प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हैं। और भागवत जब आप सुनते हैं तो प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण, कानों से ही भगवान भागवत जी का शब्द जब कानों से प्रवेश करता है तो वो कथा का प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द कानों से जब अंदर जाता है तो वो आपके अंदर के अज्ञान को मिटाकर आपके अंदर के विषय वासनाओं को समाप्त करके और भगवान को स्थापित कर देता है, भगवान की प्रतिष्ठा कर देती है। कथा भगवान की प्रतिष्ठा हृदय में कर देती है। भगवान की प्रतिष्ठा हृदय में कैसे होती है? भगवान की कथा से। कथा सुनेंगे तो हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जो कथा सुनता है उन्हीं के हृदय में तो भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। जो कथा नहीं सुनते उनका हृदय बिल्कुल विषयों से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। आजकल के बच्चे कथा सुनने लग जाएं तो उनका हृदय भी शुद्ध नहीं हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कथा सुनने से हृदय की शुद्धि होती है कि नहीं? बात सही है या गलत है? हाँ मैया, ओ लाल पीली मैया जा रही हो? अच्छा टाटा मेरी माँ, गुस्सा होके जा रही हो? नहीं, जल्दी आना, जाओ जल्दी भोजन कर लो, जाओ भूख लगी होगी आपको। अच्छा बैठा नहीं जा रहा तो कुर्सी में बैठ जाओ इस तरफ। सुनो, कथा सुनने से भगवान की प्रतिष्ठा। अच्छा मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? भगवान ने ऑलरेडी एक मंदिर बना रखा है सबके भीतर।
आप लोग नया घर बनाते हो ना तो मंदिर भी बनाते हो, भगवान ने भी जब आपको बनाया तो मंदिर विद मंदिर बनाया, आपके भीतर ही बनाया, आपके अंदर जो है मन मेरा मंदिर, मन को ही हृदय को ही भगवान ने अपने लिए चुना कि आप मन में किसी को रखिए, बुद्धि में किसी को रखिए, विचारों में किसी को रखिए, पर मन में सदा भगवान को रखिए, मन केवल भगवान में हो। इसलिए मन किसे देना चाहिए? भगवान को। मन से प्रत्येक क्षण भगवान को याद करना चाहिए, जैसे कर्मा बाई याद करती थी। कौन याद करती थी? कर्मा बाई। कर्मा मन से भगवान को याद करती थी प्रत्येक क्षण भगवान के लिए। कर्मा छोटी सी बच्ची थी, घटना है राजस्थान की। कर्माबाई एक जाट जी की बेटी हैं। उनके पिताजी भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े उपासक थे। एक दिन उनके पिताजी दूर गांव चले गए किसी काम से, घर में कोई था नहीं, कर्माबाई की मां थी नहीं, पिता ही था, अकेला बाप था, तो बाप भी आज चला गया और बेटी को कैसे ले जाए। तो बेटी को बोला, बेटा तुम घर में रहना और भगवान जी को भोग लगा देना। अब कर्माबाई पहली बार पूजा संभालती है। जगन्नाथ जी की भगवान की पूजा करी और जब पूजा करी सब तो ठीक था भगवान को, पर पिताजी ने कहा है कि भोग लगा के खाना है। और जब भोग लगाने कर्माबाई बैठी तो भगवान जगन्नाथ जी खाए ही नहीं। क्या बनाई है कर्मा भाई? खीचड़ो, खिचड़ी, खीचड़ो बनाई है और घी डाल करके ले आई है। भगवान जी के सामने रखी है, तुलसी पत्ता डाला, बाबूजी ने कहा है खिला के खाना। छोटी सी गुड़िया 5-6 साल की रही होगी। हे भगवान खा लो, हे जगन्नाथ जी खा लो। भगवान जी खाए ही ना, और जब भगवान नहीं खाए तो बेचारी वो अपना पेट पकड़ने लग गई। हे भगवान जी हमें बड़ी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है हमें, पर जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खा सकते। अब तो कर्माबाई ने बोला, थाली भर के ल्याई रे खीचड़ो, थाली भर के ल्याई रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। ओ कन्हैया आज ये तुम खा लो, कल तुम्हारे लिए बढ़िया बनाएंगी, पर नहीं खाए तो क्या हुआ जरा सुनिएगा। थाली भर के ल्याई रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, घी डाल के ले आई, कहा जीमो हमारा, आज हमारा शाम खाएगा इसलिए घी घी ले आई, जीमो हमारा। राजस्थान की भाषा में जीमो मतलब खाने को, जीम लो मतलब खा लो। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। मैं जाट की बेटी जिन जो आपकी पूजा करते ना हमारे बाबूजी, देखो इतनी सच्ची बोल रही है सब। सुनो हमारे बाबूजी आज गांव गए हैं, आज वो नहीं है, आज हम खवा रहे हैं, आज हमारे यहाँ से खाओ। उसे यही नहीं पता कि भोग कैसे लगाया जाता है, उसे तो लगा जैसे हम लोग खाते हैं ऐसी भगवान भी खाते होंगे। बच्ची तो बच्ची, क्या क्या हुआ।
भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। बावो हमारो गाँव गयो है ना जाने कब आवे गो, बावो हमारो गाँव गयो है ना जाने कब आवे गो, ओके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो, ओके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो। कहा कर्मा बाई ने कन्हैया खा लो, आज हमारे बाबूजी नहीं है, आज वो नहीं आएंगे, आप उनके भरोसे यदि बैठे हो तो आज भूखे ही रह जाओगे। बाबो हमारो गाँव गयो है ना जाने कब आवे गो, बाबो हमारो गाँव गयो है ना जाने कब आवे गो, ओके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो, ओके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊ तने खिचड़ो, आज जिमाऊ तने खिचड़ो, काल रावड़ी छाछ की जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। आजी थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। जय हो बार मंदिर में जुड़ती बार बार है खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार है खोलती, बार बार मंदिर जाती बार बार कहती कन्हैया खाए क्या, बार बार मंदिर में जाती बार बार है खोलती, कैया कौनी जिमोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कौनी जिमोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती। अब तो बिल्कुल कड़ी भाषा में कह दिया कन्हैया, अब तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तू जी में जद मैं भी जी, तू जी में जद मैं भी जीमो, मानो न कोई लाट की जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जात की। Thank you.
पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। भावलियो की ओट बैठ के शाम खीचड़ो खायो जी। भावलियो की ओट बैठ के शाम खीचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन ओ, भोला भाला भक्ता के मन संवलिया कैया आट की। जीमो हमारा शाम धड़ी जीवावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी जीवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खीचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी जीवावे बेटी जाट की। जीवो हमारा श्याम घड़ी जीवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खीचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीवो हमारा श्याम घड़ी जीवावे बेटी जाट की। जीवो हमारा श्याम घड़ी जीवावे बेटी जाट की। जीवो हमारा श्याम घड़ी जीवावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूरन होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई भगवान को भोग लगा रही है पर भगवान खाने को तैयार नहीं। बोली कि मैं भी नहीं खाऊंगी। उसके प्रेम पर भगवान मोहित हो गए और पढ़ दो भूल गई सांवरियो। अच्छा पर्दा नहीं लगाया इसलिए। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पर्दा लगा दिया उसने। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। धावलियो की ओट बैठ कर श्याम खीचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन, भोला भाला भक्ता के मन सवलियां कैया आट की। जीमो हमारा शाम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। जब भगवान खाए अब तो भगवान से दोस्ती हो गई। रोज कर्माबाई भोग लगाती खिचड़ी का, भगवान जी बैठकर खाते। एक दिन बाबूजी आए। अच्छा बेटा तुमने ठाकुर जी की सेवा करी? हाँ। भगवान तो हमारी संग खाए। अच्छा बाबूजी को लगा अच्छा ऐसी बोल रही होगी। आज बहुत चलो अच्छा तुम जरा बना के खिलाओ, हम देखे कैसे खाते हैं भगवान। कर्माबाई ने जब भोजन बनाया, खिचड़ी बनाई, प्रसादी बनाई और भगवान को भोग लगाया, भगवान नहीं आए आज। कर्मा ने कहा प्रभु आज क्यों नहीं आ रहे हो? कर्मा से भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिताजी आज खड़े हैं इसलिए नहीं आएंगे। तो क्यों? पिताजी तो बहुत बड़े भगत हैं आपके। नहीं नहीं, जितनी पवित्रता तुम्हारे भीतर है मन की, जितना शुद्ध मन से तुम हमें बनाकर खिलाती हो, जितने भाव से तुम हमें बनाती हो, इतने भाव से तुम्हारे पिताजी नहीं, प्रभु मेरे पिताजी को अपना दर्शन दो। कर्माबाई के कहने पर उनके पिता को दर्शन हुआ। दर्शन होते ही वो भगवान के नित्य धाम को चले गए।
और कर्माबाई जगन्नाथ जी चली गई। कर्माबाई जब जगन्नाथ जी गई तो वहां पर रोज जगन्नाथ जी को भोग लगाती, रोज बोलती जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, ओ मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाए। रोज जगन्नाथ जी आए और कर्माबाई की खिचड़ी खाएं। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई जब बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते, तो एक दिन भगवान ने कहा सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए, एक तरफ उसकी दातून मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो और पहले भगवान को बुलाए, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाए और माँ मुंह पोछे पानी पिवाए और भगवान चले जाए। कभी लेट होती ना कर्मा तो द्वार पर खड़े होके भगवान कहते जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, पुजारी जी आ जाएंगे, पट खोल देंगे और 12 बजे खाने को देंगे, एक तू ही है जो सवेरे से खवा देती है, जल्दी कर्मा, इसलिए नाम पड़ गया उनका कर्मा। क्या नाम पड़ा, कर्मा, जल्दी कर्मा, भगवान ने बोला जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो नाम पड़ गया कर्मा बाई। भगवान एक दिन वो रोज बिना नहाए बनाने लग गई। अब तो एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण, कर्मा को डांटा, ए कर्मा तुम समझती नहीं हो, बिना नहाए भगवान को भोग लगाती हो, अरे नहा तो लिया कर कम से कम। नारद जी ने डांट लगाई तो मैया को लगा बात तो ठीक कह रहे हैं, अब मैया बूढ़ी तो थी है ना, और सवेरे दिन निकलने पर ही वो काम करती, रात्रि अब अंधेरा रहेगा तो कहां दिखेगा, लाइट वाइट की व्यवस्थाएं थी नहीं, अब वो कहां से तेल वेल लाए और कहां से दिया जलाए, वो दिया में उतना बुढ़ापे में कहां ठीक ठीक दिखता है, तब वो तो दिन में ही सब सूर्य आ जाए फिर वो उठे। अब नारद जी ने कहा तो उसने जैसे तैसे जल्दी उठी और नहाया, नहाने में लेट हो गई, फिर खिचड़ी बनाई, तब तक द्वारे पे भगवान आ गए, खिचड़ी बनी नहीं, भगवान ने कहा जल्दी कर्मा, जैसे तैसे कच्ची गीली उसने बना के भगवान को पवाया। अब जैसे ही भगवान खिचड़ी खा रहे थे, मंदिर में पुजारी जी आके पट खोलने वाले थे, वहां पट खोलने का टाइम हो गया, मतलब दरवाजा खोलने का टाइम हुआ मंदिर का, जैसे ही पुजारी जी ने दरवाजा खोला जगन्नाथ जी भागे, अब वो तो यहां थे, अब भागे, और जब भागे तो मैया रोज खवा पिवा के मुंह पहुंचती थी, आज मुंह पहुंचना भूल गई, तो जगन्नाथ जी के मुंह में चावल का दाना लगा रह गया। अब पुजारी जी ने जब पट खोला और भगवान को ध्यान से देखा तो भगवान के मुंह में चावल का दाना, पुजारी जी ने दाना निकाला, देखा ये तो ताजा है, अभी का है, हे भगवान ये मंदिर में घुसा कौन, पर दरवाजा तो हम नहीं खोला, लगता कोई कहीं से घुसा है। अब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया, ये चावल किसके घर में अभी बने हैं, तो कर्माबाई खा पी के बर्तन धुल रही थी, सबको पूछा गया चावल किसके घर बना, भोग किसने लगाया जगन्नाथ जी को, कर्माबाई बेचारी डर गई, महाराज कोई अपराध हो गया क्या, हमने ही भोग लगाया चावल का, अच्छा तुम खवाती हो तो ये बता तो मंदिर में घुसी कैसे। कर्मा बोली हम कहां घुसेंगे मंदिर, मंदिर वाले यहां घुसते हैं हमारे घर, हम वहां नहीं घुसते, झूठ बोल रही हो तुम, हम झूठ नहीं बोलते। पुजारी जी बोले अच्छा तो तुम जगन्नाथ जी तुम्हारे पास आए थे, हाँ रोज आते हैं रोज, कहते हैं पुजारी जी बहुत लेट देते हैं खाना पीना, तुम अच्छी हो जल्दी दे देती हो,
बरसों से आ रहे हैं। पुजारी जी बोले अच्छा कल आएंगे क्या? हाँ रोज आते हैं। पुजारी जी बोले तुम्हारी बात सच्ची है तो कल देखते हैं। अब सारे पुजारी कर्मा का घर घेर करके देखते हैं कि झूठी बोल रही है कि सच्ची बोल रही है। अब सवेरा हुआ, अब भगवान ने नारद जी को खूब डांट लगाई, क्या जरूरत थी कर्मा को बोलने की कि नहा के बनाया, हम बिना नहाए ठीक खा पी रहे थे, तुम और आग लगा दिए, लेट हो गए, पुजारी जी ने पकड़ लिया। अब नारद जी गए कर्मा भैया के, मैया सुनो तुम बिना नहाई बनाओ, तुम्हारे भगवान ऐसे अच्छे है। अब भैया लो बिना नहाए वो फिर सवेरे जागी, वो बढ़िया पानी डाला, नमक डाला, चावल डाला, खिचड़ी तैयार हो रही है। और जैसे ही तैयार हो तो बुलाई, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा। तो जगन्नाथ जी आए, मैया की गोद में बैठे, मैया जी खिला रही हैं। अब सारे पुजारी लोग छिपकर देख तो रहे हैं, ये तो देख रहे हैं किसी को खिला रही है, पर खिला किसको रही है वो नजर नहीं आए। पुजारी जी दौड़ के, हाँ तुमने बोला था जगन्नाथ जी को भोग लगा, कहाँ जगन्नाथ जी? मैया बोली आपको नजर नहीं आ रही है, हमारी गोद में बैठे तो हैं। कर्मा मैया ने बोला जगन्नाथ जी से, प्रभु आप पुजारी जी को दिख नहीं रहे हो क्या? जगन्नाथ जी बोले हम इनके किसी इनके बाप दादों को नहीं देखे तो इनको क्या देखेंगे? क्यों प्रभु, ये तो आपके पुजारी हैं, ये तो आपके भक्त हैं। भगवान बोले भक्त और पुजारी होने से क्या होता है, जो तुम्हारे जैसा निर्मल मन का होता है उसी को मैं दिखता हूं। कर्मा सबको थोड़ी, कर्मा चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मैं आपकी दासी प्रार्थना करती हूं, इन पुजारी जी को दर्शन दे दो, ये आपके भक्त हैं इन्हें दर्शन दे दीजिए, यदि आप इन्हें दर्शन नहीं देंगे तो ये मुझे झूठा कहेंगे कि तुम झूठ बोल रही थी, कहाँ जगन्नाथ जी हमें तो दिखे नहीं। हे प्रभु मैं झूठी पड़ जाऊंगी, मेरा भक्त झूठा ना पड़े, इसलिए कर्मा के कहने पर देखिए भगवान जब भी मिले हैं जिसको मिले हैं तो बीच में एक भक्त की उपस्थिति चाहिए, वो भक्त के कहने पर भगवान मिलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा। पुजारियों को भगवान ने जगन्नाथ जी ने आज पहली बार दर्शन दिए और तब से घोषणा हुई जगन्नाथपुरी में। फिर क्या हुआ, पुजारियों ने देखा, दर्शन किया, भगवान अंतर्धान हो गए, पुजारियों ने श्रद्धा से पूजा की। कुछ दिनों के बाद कर्मा बाई की मृत्यु हो गई। जब कर्मा की मृत्यु हुई तो जगन्नाथ जी रोए, जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आए। पुजारियों ने पूछा प्रभु क्यों रो रहे हैं? बोले अब कौन हमें खिचड़ी खिलाएगा, किसके द्वार पर जाकर मैं कहूंगा कि जल्दी कर्मा, किसके द्वार पर जाऊंगा? तब पुजारियों ने कहा प्रभु आज से जब तक ये धरती रहेगी तब तक, जब तक आपकी यहाँ सेवा पूजा रहेगी तब तक आपको पहला भोग कर्मा बाई की खिचड़ी का ही लगेगा। आज भी भगवान को पहला भोग कर्मा की खिचड़ी का लगता है, आज भी भगवान को पहला, जगन्नाथ जी को 8 बार भोग लगता है। जगन्नाथ जी दिन में कितनी बार खाते हैं? 8 बार, जिसमें पहला प्रसाद खिचड़ी का होता है और वो खिचड़ी कर्मा की खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का और वो खिचड़ी भी कर्मा बाई की खिचड़ी के नाम से। आज भी पुजारियों ने कहा कि अब आपको भगवान, फिर पुजारियों ने पूछा कि जब आपको इतना प्यार था कर्मा से तो आपने उसे जिंदा रखना था, मार क्यों दिया? भगवान बोले बूढ़ी हो गई थी, उसे बहुत कष्ट होता था। देखो भगवान कृपा करें, इस कर्मा बाई का क्या बुढ़ापा, चाहते तो भगवान क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, प्रकृति का नियम जो है वो है। भगवान ने अपने धाम में बुला लिया, फिर वहां सुखी रखा। भक्त तो भगवान का प्रिय होता ही है, इसलिए भगवान की भक्ति इसलिए मत करो कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारे बहू के बेटा हो जाए, हमारा धन बढ़ जाए, इसलिए पूजा करोगे, चाह लेकर पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा टिकेगी नहीं।
क्योंकि भगवान और भक्त का प्रेम तब संभव है। देखो, अरे पति और पत्नी का प्रेम भी तब संभव है जब बीच में स्वार्थ ना हो। हमारा और आपका प्रेम तब तक ठीक है जब तक हमारे और आपके बीच में कोई स्वार्थ ना हो। यदि स्वार्थ आया तो प्रेम नहीं चलेगा। बात ठीक है कि गलत है? सही है। सोचिए, यदि हम आपसे प्रेम करें इसलिए कि आप हमें कुछ दें, आप हमसे प्रेम करें कि हम आपको कुछ दें, तो देखो स्वार्थ का प्रेम नहीं चलता। कितने दिन चलेगा? प्रेम तो निष्काम होता है ना, तो लंबा चलता है। सोचिए कि जो बेटा बाप से कुछ चाहता हो वो बेटा लंबा पिता के साथ टिक ना पाएगा, क्योंकि स्वार्थ है। वो पिता की प्रॉपर्टी चाहता है। एक होता है जो पिता से चाहता है, एक होता है जो पिता को चाहता है। हाँ या ना? एक होता है जो पिता, उत्तर मेरे संग बोलो, एक बेटा वो है जो पिता से चाहता है। पिता से मतलब पिता से धन प्रॉपर्टी सब कुछ। एक बेटा वो है जो पिता से चाहता है, एक बेटा वो है जो पिता को चाहता है। मैं आपको चाहता हूं, आपकी सेवा करूंगा, आपकी प्रॉपर्टी पर मेरी कोई नजर नहीं है। मुझ में काबिलियत होगी, मैं खुद कमा लूंगा, पर पुत्र हूं ना तो पिता की सेवा करके पुत्र धर्म पूरा करूंगा। आप बताइए कौन सा बेटा अच्छा है, पिता से चाहने वाला या पिता को चाहने वाला? उत्तर दो मेरी मां। पिता, पिता से चाहने वाला, पिता से चाहने वाला, पिता, पिता से चाहने वाला नहीं, पिता को चाहने वाला। उसी तरह भक्त भी दो प्रकार के, एक वो जो भगवान से चाहते हैं, एक वो जो भगवान को चाहते हैं। भगवान से यदि आपको चाहते हो, स्वार्थ है, तो देखो फिर ये प्रेम लंबा टिकेगा नहीं, क्योंकि बीच में स्वार्थ है। जबकि भक्त और भगवान के बीच में केवल प्रेम हो, और प्रेम कैसा? निष्काम प्रेम, कोई कामना नहीं, हम प्यार करते हैं। कर्मा ने प्रेम किया भगवान से, मांगा क्या? कुछ नहीं। प्रहलाद जी ने प्रेम किया भगवान से, मांगा क्या? और भगवान से क्या मांगे, क्या नहीं देते वो बिना मांगे? आपने क्या आंखें मांगी हैं? जो अंधे हैं ना, उनसे पूछना कि आंखों की कीमत क्या है, लेकिन आपको बिना मांगे आंखें दी भगवान ने। आपने थोड़ी बोला था मां के पेट में कि प्रभु आंखें भी देना, आंखें दी। जिन जो लंगड़े हैं ना, पैरालिसिस हो गया है या अपाहिज हैं, पोलियो इत्यादि, उनसे पूछना कि पांव की कीमत क्या होती है। आपको भगवान ने बिना मांगे पांव दिए कि नहीं? बिना मांगे मैया हमें आंखें दी, बिना मांगे भगवान ने पांव दिया, बिना मांगे हाथ दिए, बिना मांगे सब कुछ तो दिया। कान हैं, कुछ लोग सुन नहीं पाते, बहरे होते हैं, बिना मांगे सुनने की शक्ति दी। कुछ लोग गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, बिना मांगे बोलने के लिए वाणी दी। सब कुछ दिया ना बिना मांगे। अब तुम क्या मांगती हो? बहू के बेटा, पैसा, ये सब देखो बाद का विषय है। ईश्वर जो देते हैं उसमें भी खुश रहा करो, जो नहीं देते उसमें भी ईश्वर की कृपा मान करके खुश रहा करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान ने बिना मांगे बहुत दिया, बहुत है, बहुत। अच्छा बताइए, सबसे अनमोल क्या है इस संसार में? सबसे अनमोल वस्तु क्या है आप बताइए, सब लोग बताइए। हाँ, सबसे अनमोल क्या है? माता पिता, सबसे अनमोल क्या है? हाँ, सब लोग बताइए। सही उत्तर देने वाले को 1 करोड़ का ज्ञान है। ये 1 करोड़ का ज्ञान, यदि सही उत्तर दिया तो 1 करोड़ आपकी खोपड़ी में। ज्ञान 1 करोड़ का, ज्ञान तो करोड़ों का ही है। इस संसार में सबसे कीमती क्या है? अनमोल। देखो, आप में से 90% लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, 10% लोग ही कुछ कुछ बोल रहे हैं।
इसका मतलब जब आपको यही नहीं पता कि संसार में अनमोल क्या है, तो आप कैसे जीवन को आनंदमय गुजारोगे? क्या है सबसे अनमोल? हाँ, इस संसार में सबसे अनमोल हैं स्वयं आप। आप हैं तो कोई चीज अनमोल होगी, आप ही नहीं है तो क्या अनमोल है? बताइए, आप से अनमोल कौन है? अरे हम हैं तब ना हम भगवान की उपासना करें, हम ही नहीं होंगे तो भगवान कहां? भगवान को भी जानने और मानने के लिए आपका होना आवश्यक है। इसलिए इस संसार में सबसे अनमोल कौन है? आपका जीवन। सबसे अनमोल क्या है? आपका आपका आपके प्राण, आपकी प्राण वायु, आपका जीवन। आंखों के बिना शायद संभव है जीवन, पांव के बिना भी शायद संभव है जीवन, हाथ के बिना, मुंह के बिना जीवन संभव है, पर प्राणों के बिना कैसे? तो सबसे अनमोल है आपका जीवन। और वो जीवन, अच्छा बताइए, इसी जीवन को बचाने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसी जीवन को बचाने के लिए लोग मंदिर मस्जिद घूमते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब बताइए, सबसे अनमोल क्या है? ये जीवन है या नहीं? बोलो हाँ या ना। गलत है तो गलत बोलो। गलत है? सबसे अनमोल जीवन है? हाँ या ना? यदि है तो बताओ, वो सबसे अनमोल जीवन ईश्वर ने आपको दे रखा है कि नहीं? फिर गरीबी कहां है? कहां गरीबी है? ईश्वर ने सबको जीवन दे करके अमीर, ये जीवन से अनमोल क्या है? अरे श्वासें बचाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं, अपना घर जायदाद बेचने को तैयार हैं, एक बेटे का जीवन बचाने के लिए मां को अपनी किडनियां बेचना पड़े तो मां किडनी बेचने को तैयार है। मां कहती, सुनो, यदि कोई मां के सामने उसके बेटे का जीवन बच रहा हो और कोई कहे कि तुम्हें मरना पड़ेगा तुम्हारे बच्चे के लिए, तो मां तुरंत बोल देगी, ठीक है मुझे मार दो, मेरे बच्चे को बचा दो। मतलब जीवन सबसे अनमोल है। एक मां अपने बेटे के जीवन को बचाने के लिए क्या नहीं करती? ये जीवन सबसे अनमोल है मेरी मां। लेकिन वो जीवन आप लोग लड़ाई में, झगड़ा में, निंदा में, चुगली में, लोगों को बेवकूफ बनाने में, ये आप किसी और के पांव में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप धोखा खुद को दे रहे हैं। आप यदि किसी समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, निंदा चुगली करके, छल कपट करके, तो किसका बिगाड़ेंगे आप? किसका? आप यदि किसी को बेवकूफ बनाएंगे तो चलो हम आपसे बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन आप बेवकूफ बना के हमें कुछ पैसे कमा भी लोगे तो वो पैसा हम तो ठीक है ये मानते रहेंगे कि आपने हमारे साथ भला ही किया होगा, पर जो आपने गलत किया है, क्या उस गलत की भरपाई आपको करनी नहीं पड़ेगी? क्या पितामह के गलत की भरपाई उन्होंने बाणों की सैया पर लेटकर नहीं किया? क्या माता कैकेयी ने अपने गलत कामों की भरपाई आज तक नहीं कर रही है? आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, तब से जब से कैकेयी ने राम को वनवास भेजा है। हर गलत काम की भरपाई खुद को ही करनी पड़ती है। रावण के गलत काम की भरपाई क्या रावण आज तक नहीं कर रहा है? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा और उसके हर साल पुतले जलते हैं। भरपाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी मां, ये जीवन सबसे अनमोल है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ये मेरे जीवन का अंतिम निष्कर्ष है कि इस प्राण से, इस जीवन से अनमोल कुछ नहीं। इसलिए ये जीवन थोड़ा सा है। ये जीवन मेरे 33 साल निकल गए, पता नहीं कितने और बाकी हैं। आपके कितने निकल गए?
45, 45 साल निकल गए इनके, पता नहीं कितने बाकी, आपके कितने निकल गए? 50 निकल गए, पता नहीं, ये जीवन 50 साल का चला गया, ये जीवन 45 साल का चला गया, ये जीवन 10 साल 20 साल का चला गया, अब जो बचा है जरा सा बचा है, उस समय का सदुपयोग, केवल अच्छा, सबके साथ भलाई करो, सबके साथ अच्छा करो, क्योंकि ये जीवन अब मिला है, अब कब मिलेगा? बार बार ना मिलता ये शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुं कि नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये करोड़ों जन्मों से हम भटक रहे हैं 84 के चक्कर में, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, कभी ईश्वर ने कृपा कर दी और हमें मानव का चोला दिया, ये जीवन दिया, ये मानव का जीवन, इसको पाकर केवल अच्छे काम करो मेरी माँ। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इसलिए मेरी माँ, किस किस को बात समझ में आ गई? समझ में आई? समझ लो मेरी माँ। हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। शराब पी के पड़ा है, मांस खा रहा है, अपने स्वाद के लिए पशुओं की बलि चढ़ा रहा है, अपने स्वाद के लिए काट रहा है, खून बहा रहा है, क्या हमारा काजू बादाम फल फूल से पेट नहीं भर जाएगा? दाल चावल सब्जी रोटी से नहीं भर जाएगा? तो क्यों बेवजह हम गुनाह करें? जाए गजब यहां से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के तू भी,
सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो सबसे अनमोल क्या है मेरी माँ? हमारा जोर से, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। जाना यहां था भगवान की तरफ, चला गया विषयों की तरफ। जाना था दूध दही मक्खन की तरफ, चला गया शराब अफीम गांजा की तरफ। जाना था पत्नी पुत्र परिवार की तरफ, चला गया पड़ोसन की तरफ। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, इस जीवन से अच्छे काम करो। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, मोक्ष का अधिकारी बना दिया। जो भागवत सुनता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। अभी 27 मार्च से भागवत जी की पोथी पाठ यहां बैठेगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ बिठाकर उन्हें भी मोक्ष का अधिकारी बनाइएगा। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी, सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए तो यहां एक उदास कन्या, एक बेटा इस तरफ एक बेटा इस तरफ। देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जर जर। ये मेरे बेटे ज्ञान भाई, नारद जी बोले, देवी भक्ति आपकी ये स्थिति, ये कौन सा युग चल रहा है मेरी माँ? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ वीडियो वाली मैया, सुन लो मेरी माँ, बैठ जाओ चुपचाप, कथा सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। देखो, नारद जी महाराज ने एक कन्या से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बोला, मैं भक्ति हूं, कलयुग में मैं ऐसी हो गई हूं। अच्छा, कलयुग में भक्ति है क्या? है, कम है। ज्ञान है क्या? है, ना के बराबर। वैराग्य है क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कलयुग में क्या नहीं है? अच्छा, कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? जोर से, कलयुग अच्छा कि बुरा है? हाँ, आप बताओ भैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं, सिर ही हिलाना। अच्छा है तो यूं करो, बुरा है तो? अच्छा है, बुरा है? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, कलयुग अच्छा है? हाँ, बुरा? आप बुरा, आप बुरा, पीछे वाले भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश, बताओ पीछे वाले, कलयुग अच्छा कि बुरा? बुरा, कलयुग अच्छा कि बुरा? ये भैया बताएंगे, मैया अच्छा है? पीछे वाले भक्त बोलेंगे, वो सबसे पीछे बैठी गुलाबी मैया,
बता मेरी माँ, कलयुग अच्छा कि बुरा? हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सतयुग में जो गति कृते अध्यायते विष्णु, सतयुग में जो गति ध्यान करने से और जप तप करने से मिलती थी, त्रेता में वही गति यज्ञ करने से। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ करने से, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, कलयुग में केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने से वही गति मिल जाती है। इसलिए कलयुग माना कि इसमें दोष बहुत है, कलयुग में माना कि दोष बहुत है, पर कलयुग में कुछ अच्छाइयां भी हैं। कलयुग में हम सबको आरक्षण मिला है। क्या मिला है आरक्षण? क्या है कि हम जरा सा अजामिल जैसा पापी, जरा नाम क्या ले लिया, नारायण, मुक्त हो गया। ये आरक्षण ही तो है। तो आपके लिए छूट है कि आप यदि भगवान के आश्रित हैं, बस इतना भी कह दो आप कि हे प्रभु मैं आपकी हूं, और आखिरी समय भगवान का स्मरण आ जाए तो पापी से पापी भी भवसागर को पार कर लेता है। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आरक्षण मिला है सबको, लाभ लो, नाम जप किया करो, काम करती रहा करो मेरी माँ, नाम जपती रहा करो। क्या नाम जपे महाराज? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू लगाते जाते कीर्तन चल रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आटा लगा रही हो, गूथ रही हो, रोटी बना रही हो, पूड़ी बना रही हो, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे खूब कीर्तन किया करो, काम करो, नाम जब अंदर चलता रहे, ऐसा अभ्यास बना लो कि फिर आप कुछ भी करो अंदर नाम चलता रहे। जैसे दिल अंदर धड़कता ही रहता अपना काम करता, ऐसे आपका मन बिल्कुल सीताराम ही गाए, श्रीमन नारायण ही गाए, कृष्ण ही गाए, ठीक है मेरी माँ, ऐसा अभ्यास। तो कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या है? नाम जप है, कीर्तन है, कथा है, क्या नहीं है? अब बताओ क्या नहीं है कलयुग में? क्या नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम्। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है। कलयुग में क्या नहीं है मेरी माँ? जोर से, सत्य नहीं है। आप में से कितने लोग सच ही बोलते हैं? देखो, आप में से बोल रहे हैं, कुछ सच भी बोलते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं। तो झूठ बोलते हो तो फिर सच का क्या है? सत्यम नास्ति, सत्य तो अब बचा ही नहीं। लोग प्रायः झूठ बोल रहे, प्रायः मतलब कहीं इक्का दुक्का कोई सत्यवादी होगा, होगा तभी तो धरती टिकी है उन लोगों के बल पर। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, सच बोला करो। झूठ बोलने से क्या आप धन्ना सेठ हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं झूठ बोलने से? क्या हो जाते हैं? ज्यादा खाते हैं, हाँ? कौन बुलवाता है आपके मुंह में हाथ डाल के? कोई बुलवाता है कि झूठ बोलो?
देखो सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना, लेकिन वो आज प्रायः लोग कर रहे हैं। सच बोलो मेरी माँ काम आएगा। आप अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना, एक डिग्री कम दिलाना, पर सत्यवादी बनाना, क्योंकि सत्य की ईश्वर देर सवेर साथ सत्य का ही देते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरी को क्यों मारा? भगवान कृष्ण ने बर्बरी को क्यों मारा? इसलिए तो मारा कि बर्बरी झूठ का साथ दे रहा था। वो बोला कि जो हार जाएगा मैं उसका साथ दूंगा, तो भगवान बोले झूठ हारेगा तो उसका भी साथ देगा क्या? हाँ बोला दूंगा। भगवान बोले पर तू ठीक नहीं है भाई, हारे का साथ दो। अब बलात्कारी को तो फांसी होनी है, अब आप उसका साथ दोगे क्या? नहीं जी मैं इसी का साथ दूंगा नहीं। भगवान ने कहा ये नियम तेरा ठीक नहीं भाई, साथ दो पर ये देखकर साथ दो कि ये धर्म के रास्ते पर है या अधर्म के रास्ते पर। यदि धर्म हार रहा है तो जो सही है उसका तो साथ दीजिए, पर जो गलत है आप उसका साथ देंगे? गलत है, इसलिए भगवान ने बर्बरी का सिर काट दिया कि आप गलत का साथ देने वाले हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कलयुग में सत्य प्रायः लुप्त हो रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है, जमाना झूठ बोले तो बोले, पृथ्वी यदि टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर टिकी है। इसलिए आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। आप कहते हैं महाराज जी हम तो बिजनेस करते, व्यापार करते, दुकान है, ये है, वो है, झूठ बोलना ही पड़ता है। एक महीना सच बोल के देखो कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। एक महीना आप सच बोल के देखो, देखो कि आप भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। एक प्रश्न है आप सबसे, आप बिल्कुल सच बोलना बोलने लग जाएंगे तो क्या भूखों मर जाएंगे? प्रश्न है मेरा, उत्तर दो। आप बिल्कुल सच बोलेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? उत्तर, मर जाएंगे, मर जाए। आप में से कोई मर जाएगा? नहीं ना। इसलिए यदि हम झूठ बोलकर धन्ना सेठ बन गए और सच बोल करके सुदामा की तरह गरीब भी रहे तो उस गरीबी में भी भगवान ही चरण धोएंगे अपने नेत्रों के जल से। देर सवेर ईश्वर साथ सुदामा का ही देंगे। भगवान जब भी हाथ पकड़ेंगे सुदामा का ही पकड़ेंगे, जब भी साथ देंगे तो बनवासी अर्जुन का ही साथ देंगे। धन्ना सेठ था तो दुर्योधन, पांडवों का भी धन हड़प के बैठा था पर गलत था। पांडवों ने अपना सब लुटा दिया पर सही थे, उन्होंने साथ सही का नहीं छोड़ा। तो 12 साल 13 साल बाद साथ ईश्वर ने दिया ना दिया, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं। सच बोलो, कलयुग में ये थोड़ा बुराई है, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। सतयुग में प्रायः लोग सत्य बोलते थे, त्रेता द्वापर में भी सच बोलते थे, कलयुग में झूठे। कलयुग में बेटा झूठ बोल रहा है बाप से, बाप झूठ बोल रहा है बेटे से, बहू झूठ बोल रही है सास से, सास झूठ बोल रही है बहू से, और तो सब ठीक है, पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, इतना झूठ है। पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ये झूठ अच्छा नहीं है मेरी माँ, सच बोलने की आदत बनाओ, बच्चों को सत्यवादी बनाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम्। कलयुग में और दो चीजें नहीं है, तप नहीं है, कोई तप नहीं करता, मतलब अपने आप को मजबूत नहीं बनाता, तपस्वी नहीं है, और शौचम्।
आजकल तो लोग चार चार दिन नहाते नहीं, शौच मतलब यहां शुद्धि से। आज कलयुग में शुद्धि नहीं रह गई, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट। जैसी राख है शुद्धि वैसी होए। अब बुद्धि लोगों की भ्रष्ट क्यों? क्योंकि शुद्धि भ्रष्ट हो गई। चार चार दिन नहाते नहीं है, लघु शंका जाते हैं, कुल्ला नहीं करते, पांव नहीं धुलते, शौच करने जाते, नहाते नहीं। अब शौच करने के बाद, अब बताओ कुत्ता शौच करने के बाद क्या नहाता है? बोलो, बिल्ली नहाती है? हाँ, बस जानवर ही नहीं नहाते। और जो आदमी मनुष्य होके शौच करने के बाद शुद्धि ना करे वो फिर तो जानवर ही है। हाँ, अपने भारत में तो फिर भी ठीक है, पानी का प्रयोग होता है, और जगह तो पानी भी नहीं मिलता। हाँ या ना? अब बताओ, भारत के अतिरिक्त भारत में भी जितने भी दुनिया में देश हैं, वहां हमारे भारत में शौच जो होती है, शौच क्रिया वो पानी से होती है, लेकिन विदेशों में वो क्रिया पानी से नहीं होती, वो पानी का प्रयोग वहां होते ही नहीं है, वहां टिश्यू पेपर का यूज होता। अब कितना पूछता होगा। अब देख लो, अब ये पहुंचने वाले और एक नहाए और ना, अब ये जहां जहां जाएंगे इन्हें क्या कहोगे आप? ये किसका कल्चर है? ये कुत्ता बिल्ली वाला है या नहीं? बोलो हाँ या ना? इसलिए भागवत जी में लिखा है, सत्यम नास्ति तपः शौचम् दयादानम् न विद्यते। शौच मतलब हम शुद्धि से, यहाँ पे अर्थ लगाना है। इसलिए हमारे यहाँ का कल्चर, भारतीय परंपरा बताऊं, हमारे यहाँ जब लघुशंका लोग जाते हैं, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष, सब लोग ध्यान से सुने, बच्चे हो या बूढ़े, जो बच्चा आपकी गोद में है, छोटा सा है, माँ की गोद में सुसु कर देता, उसके लिए तो दोष नहीं है क्योंकि बच्चे ही है। लेकिन जब समझदार हो जाए तो नियम होता है कि जब आप लघु शंका जाए तो चार कुल्ला करें। दोहराओ मेरे संग, लघु शंका के बाद क्या करना है? चार कुल्ला, और हाथ धुलना है और पांव धुलना है। इसके बिना शुद्धि नहीं होती, इसके बिना शुद्धि नहीं। कुल्ला समझते हैं ना? इसके बिना शुद्धि, हाँ। और शौच करने जाएंगे तो शौच करने के बाद नहाएंगे, आप पूरा नहा चुके हैं सिर से, और आपको दोबारा शौच जाना पड़ा तो अर्ध स्नान कीजिए। जितने कपड़े पहनकर शौच करने गए हैं वो कपड़े पहले उतार दीजिए, कम कपड़े रखिए अपने बॉडी पर, और वो कपड़े गीले कीजिए। और पूरा स्नान ना कर पाओ तो कमर, नाभि होती है ना, नाभि से, नाभि को गीला करता हुआ, पूरा कमर को गीला करता हुआ पूरा पांव गीला करना चाहिए, अर्ध स्नान बोलते हैं इसको। शौच के बाद या तो पूर्ण स्नान हो या तो अर्ध स्नान हो। सर्दियां हैं, आपने स्नान कर लिया है फिर जाना पड़ रहा है, तो आप अर्ध स्नान कर सकते हैं, इससे शुद्धि होती है। अब आप ही बताइए ना, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शौच के बाद जब तक स्नान ना किया जाए तब तक शुद्धि नहीं होती? ये कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बिना स्नान के शुद्धि नहीं होती? अब आप बताइए, जो स्नान नहीं किया क्या वो शुद्ध है? अब उसके हाथ का कोई भोजन करेगा तो वो अशुद्ध व्यक्ति से अशुद्ध भोजन खाएगा तो बुद्धि अशुद्ध होगी, क्योंकि जैसी राख शुद्धि। ये कहावत, ये मुहावरा मैंने नहीं बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने, बाप दादों ने बनाए कि जैसे राख शुद्धि वैसी हो, जैसा खाओ अन्न, जैसा पियो पानी, जैसा करो संग वैसा होए रंग। इसलिए मेरी माँ, ये बातें बहुत छोटी नहीं है पर
मानना है तो अच्छा है, नहीं मानना तो कोई बात नहीं। अब प्रायः लोग कहां पे लोग नहा रहे हैं इतना, इसलिए भ्रष्ट है बुद्धि। पूरा दिन आपके अंदर काम वासना सवार रहती है, दिन भर आप उल्टा ही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्धि, देखो मच्छर कहां होते हैं, शुद्धि में या अशुद्धि में? मच्छर मक्खी कहां? हां अरे भाई, तुम्हारे घर में अशुद्धि होगी तो मच्छर बढ़ जाएंगे। उसी तरह जब आपके शरीर में अशुद्धि होगी, मन में अशुद्धि होगी, तो नेगेटिविटी के मच्छर बढ़ जाएंगे, गलत विचारों के मच्छर की भरपाई हो जाएगी। खूब मच्छर मतलब गलत विचार। आप अशुद्ध हैं, अशुद्ध खा रहे हैं, अशुद्ध बातें कर रहे हैं, अश्लील चीजें टीवी पर देख रहे हैं, स्वाभाविक है आप फिर अच्छी। इसलिए तो आजकल के लड़के लिव इन में रह रहे हैं, थिएटरों पर नाच रहे हैं, पूरी रात क्लबों में नाच रहे हैं। क्या है ये विचारों की शुद्धि होती तो बताओ? क्या राम जैसे लोग क्या दूसरे की स्त्री का हाथ पकड़ के नाच सकते हैं? बोलो, ये तो रावण जैसों को ही शोभा देगा। बोलो, तो आजकल क्लबों में ही लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। भारतीय परंपरा कहती है कि आपका सबसे अनमोल अनमोल चीज है आपका चरित्र। आप हमारे देश में क्या विशेषता रही है? हमारे देश में चरित्र रहा, राम चरित्र सुनवे कौ रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान लड़की हो, चरित्रवान लड़का हो, और चरित्र का निर्माण तो तब होगा ना जब शुद्धि होगी, तो बुद्धि बनेगी चरित्र वाली। शुद्धि ही नहीं, मूल में तो शुद्धि है ना। अब मूल वेश ही कमजोर है तो इमारत कितनी भी ऊपर से बढ़िया बना लो, चमक दमक की, पर वेश तो कमजोर है ही ना, कभी भी ढह जाएगी। तो शुद्धि ये चीजें बेसिक चीजें हैं, इसलिए आपको इन चीजों पर ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। सही गलत क्या है उनको समझाओ। आप में से कितने लोग हैं जो लघु शंका करने के बाद चार कुल्ला करते और हाथ पांव धुलते हैं? कितने लोग हैं जो शौच करने के बाद स्नान करते हैं? आप लोग नहीं करते? आप कितने दिन में नहाते हो भैया? पूरा पूरे दिन नहाते हो? एक बार नहाते हो दिन में गर्म पानी से? तो गर्मियों में भी गर्म पानी से? गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। अधिक गर्म नहीं, अधिक ठंडा भी नहीं। जो बोरिंग का निकलता ना नीचे से, ना वो ठंडा ना गर्म, मीडियम। अधिक गर्म पानी से भी नुकसान होता है, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ये मेरा विषय नहीं है। अधिक गर्म पानी, नॉर्मल, गुनगुना तो चलता है, ठीक है। तो एक बार आप नहाते हैं, और शौच यदि दो बार गए, तीन बार गए, तो फिर नहीं नहाते, हाथ पांव धुल लेते हैं बस। ये अशुद्धि है, बिल्कुल गलत है ये। अब आपके द्वार पर कोई संत भिक्षा लेने आएगा तो आप क्या देंगे? आप तो खुद अशुद्ध हैं, अशुद्ध देंगे फिर आप? फिर आप जो बनाएंगे, अब जैसे महिलाएं, कुछ महिलाएं इतनी आलसी होती हैं कि पहले भोजन बना लेती हैं बाद में नहाती हैं, और नहा के फिर खा लेती हैं। कुछ तो पहले खा पी ली बाद में नहाए। आजकल तो फैशन है बिस्तर पर ही बिस्किट चाय पी लिए फिर ब्रश हुआ मंजन ब्रश, पतन हो जाएगा मेरी माँ। इतना आलसी ना बनाओ अपने बच्चों को। माँ से बोल मम्मी चाय, मम्मी लेके आई है, बिस्किट भी ले आई, उसका नाम ही है बिस्किट। बिस मतलब जहर, किट मतलब बहर, जहर की किट, बिस्किट, बिस्कुट, जिसमें बिस्कुट कूट के भरा, मैदा ही तो भरा है, शक्कर ही तो भरी, कौन सा अमृत भरा है, क्या है बिस्कुट, जिसमें बिस मतलब जहर कूट कूट के भरा गया हो, बिस्कुट, बिस्किट, बिस्की किट। अब आप खाओ, कुछ भी खाओ, हम क्या करें? मेरी माँ, ध्यान दो इन बातों पर,
श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी से, देवी आप कौन? मेरा नाम भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर मुहु पढ़ाया, गीता सुनाई, पर ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी को सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनवाई गई ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार में सनकादियों के द्वारा, तब भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी भागवत सुनकर के दूर होता है। ये देखिए, ये भागवत जी सामान्य नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी भागवत सुनते हैं। इसलिए ये भागवत वो है, कृष्ण की कथा जो सुनता है भक्ति की भी भक्ति बढ़ जाती है, ज्ञान का भी ज्ञान बढ़ जाता है और वैराग्य का भी वैराग्य पुष्ट हो जाता है। ये वो भागवत, इसलिए कहता हूं भागवत जरूर सुना करो। जीवन में कुछ कार्य हैं जो कर लेने चाहिए। हमारी मैया जी अमेरिका से आई हैं कथा सुनने के लिए, तो आप भारत के भारत में आकर वृंदावन आकर तो सुन ही सकते हैं। वैसे भी आप आए हैं, जो नहीं आए उनको हम कह रहे हैं आप भी आया करो। और अभी होली आ रही है, होली वृंदावन की जगत की होरी। हाँ, जगत में होरी होती है, बिरज में होरा होता है। जगत में होरी होती और बिरज में, हाँ, ये नया भजन अब आपको हम होरी पर गिफ्ट करने वाले हैं। तो होरी के रसिया की, जगत में होरी होती है, बिरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बिरज में होरा होता है। तो बिरज में क्या होता है, ये भजन जल्दी से आएगा, दो चार दिन में ही आपको मिलेगा, जल्दी सुनने को। होरी के पहले ये भजन, ये दास अनिरुद्धनी लिखा है इस होरी में आप सबके लिए, और आपको सुनवाया जाएगा। तो होली यहां, अब होरी आ रही है मस्त, एकादशी यहां रंग भरी एकादशी में होरी होगी, और फिर होगी पूरी होली में होली होगी। यहां महीनों से चल रही बरसाने में रोज लठ मार होली हो रही है, बिहारी जी में रोज होली हो रही है, जगत में होरी है, यहां तो महीनों से चल रही हो रही है। ये धाम है, ये कन्हैया की नगरी है, टेढ़े कन्हैया की लीला, टेढ़ी बात है, सब ना समझ पावे। ये हमारे ठाकुर महीनों होली खेलें, लठमार अलग होती है, हाँ या ना? यहां भी होगी होली इस बार मस्त, खूब आनंद लेंगे होली, लड्डुओं की होली होगी इस बार। किसकी होली? फूलों की होली और लड्डुओं की होली और पिचकारी भर के मस्त। तो होली की बहुत बहुत आपको एडवांस में शुभकामनाएं, और आप आओ, वरना अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर ही होली का आनंद लीजिएगा, फिर एक दूसरे को आप पहचान नहीं पाएंगे, है ना? तो वृंदावन सबसे श्रेष्ठ धाम, नारद जी महाराज को सनकादियों ने भागवत सुनवाई, भक्ति महारानी का दुख दूर प्रकट हो गई। कहां बैठे महाराज? संतों ने कहा भक्तों के हृदय में बैठो। भक्ति महारानी विराज गई कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति भक्तों के हृदय में जाकर बैठी है, और सनकादियों, नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने उसका उद्धार हो जाएगा? हाँ,
एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो किसी ने ताना मारा तो जंगल चले गए। संत जी ने फल दिया, ये फल खिलाना पत्नी को बेटा होगा। पत्नी धुंधली ने फल गाय को खिला दिया तो गाय को बच्चा हो गया, और बहन का बेटा पैसों से ले आई तो नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो उसने सारा पैसा उड़ा दिया जुआ शराब इत्यादि में। वो सारा बेटा पैसा जब उड़ाया और जब पैसा ना मिला तो बाप को मारा, सारे गलत काम करना स्टार्ट कर दिया। और धुंधकारी ने अपने बूढ़े बाप को मारा, माँ को मारा। देखी जब बेटा अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लग जाए, समझ लेना कि घोर कलयुग का प्रकोप है। आप में से कितने बच्चे, कितने लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? आप में से आप सेवा करते हो अपनी माँ की? पांव दबाते हो, सेवा करते हो? सेवा करना अपनी माँ की, माँ का अपमान ना हो, माँ की अवहेलना ना हो, है ना? सेवा। आप अपने माँ बाप की सेवा करना। आज हम तो देखो यहां सेवा करते हैं, और सेवा का आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप भी सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम पूरी दुनिया में एक ऐसा मैसेज दे रहा है। आज हमने आपको बताया ना कि तंजानिया देश से एक भाई आए, हम स्वयं मां के चरण दबाते हैं, और यहां जो आता है उससे भी कहते तुम भी मां के पांव दबाना सीखो, और वो साहब भी पांव दबा रहे हैं। जिनके जो सेवा का मतलब ही नहीं जानते वो देखो सेवा कर रहे हैं। तो ये जुड़ने से ये प्रभाव है कि आप सेवा करना सीख जाएंगे। हमारी माओ का आशीर्वाद लीजिएगा और माओ के चरण। जो यहाँ आता है हम उसको सेवा का ही मैसेज, इसलिए आप लोग अपने बेटा बहू को, बेटा बेटी को, पोता पोती को, सबको लाया करो और यहाँ वृद्ध माओ का दर्शन कराया करो, ताकि वो भी बच्चे सेवा का संकल्प लेकर जाए, सेवा के संस्कार यहाँ से सीख कर जाए। ये गौरी गोपाल आश्रम सेवा, ये आश्रम एक प्रकार की यूनिवर्सिटी है जहां पर केवल सेवा सिखाई जाती है, सिर्फ सेवा कैसे करना है, और सिखाई करके दिखाई जाती है। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं कितनी, हजारों साधु संत आते हैं, पेट भर भोजन करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत आते हैं, भरपेट प्रसाद पाते हैं। आप भी इन संतों को अपनी ओर से भोजन प्रसादी दे सकते हैं, आप भी इन संतों को भरपेट भोजन दे करके इन संतों का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आप भी इन संतों की सेवा करके पुण्य के भागीदार बनिएगा, अपने बेटा बेटी के नाम से अन्नदान कराइएगा। जो भी आता है हम उनको यही कहते हैं कि आप भी सेवा करिए, अन्नदान करके पुण्य कमाइए। हजारों साधु संत जो भजन करने वाले संत हैं, ऐसे संतों के लिए यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। संत लोग फुटपाथ पर ना सोएं, इसलिए संतों के लिए एक संत निवास भी बनने जा रहा है। आप भी संत निवास के लिए, संतों के निवास के लिए आप भूमि देकर, एक गज दो गज भूमि देकर उनके भजन में सहयोगी बन सकते हैं, भूमि दान करके। गौरी गोपाल आश्रम में रसोई सेवा चलती है। कोई भी भक्त आए वृंदावन भरपेट, आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसादी ग्रहण की? जिसने की वो हाथ उठाए। देखिए आप हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की, सबको निःशुल्क लगभग 25 से 30 हजार लोगों को भरपेट भोजन मिलता है यहाँ पर। कोई भी आए सबके लिए, आप भी सेवाओं से जुड़कर पुण्य के भागीदार बने। एक दिन का अन्य क्षेत्र आप भी रसोई आप भी बंटवाएं, और आप भी इस पुण्य से जुड़ करके अपनी बेटी के जन्मदिन, बेटे के जन्मदिन में ये पुण्य की श्रृंखला से जुड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके बेटा बहु सेवा नहीं करते। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से? रुआड़ी से।
कौन कौन है मई आपके घर में? हरियाणा रुवाड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। हरियाणा? हाँ हरियाणा से, रुवाड़ी से। कौन कौन है आपके घर में मैया? बेटा बहू है। तो बेटा बहू सेवा नहीं करते जो आपको यहाँ आना पड़ा? बेटा बहू नहीं, मेरे को मार मार के निकाल दी घर पर। पहले झाड़ू पोछे बर्तन उनका कढ़ाई रोटी बनावाई। जब तुम मेरे को अच्छी तरह बोला मेरे बुखार चढ़ जाओ, मैं बीमार होने लग गई। जब मेरे को मेरे बालकन से रोटी चाहिए गर्म गर्म, तो रोटी ना दे घर में ठाली रहती है। मेरे मारी बहू ने, बेटा ने मारी, मेरे को मार के निकाल दी। दुकान नाम मकान नाम करवा लियो अपने। फिर मेरे को रोटी चाहे कुछ ना देवा, मैं भूखी पैसी पड़ी रही। मार के ने मैंने भीतर बंद कर दी। मैं पड़ी पड़ी रोती रही रोती रही। फिर बाद में ऊपर किराएदार था, किराएदार ने देखी जिन बहन मैंने निकाली। फिर छोरी कने फोन करो, फिर छोरी कने फोन करो, वो छोरी ले आई यहाँ पर। मैं किराए पर रही घने दिन तक, तो मैं किराए पर रखी। फिर बोले मैं मेरे कने तेरे कने ना रोजी थी, मतलब मैं आपकी कथा सुनिया करती। तो आपको आपका घर बेटे ने अपने नाम पे कर लिया, दुकान मकान दोनों चीज अपने। और आपको मारा किसने? बहू ने बेटा ने दोनों मारे। तो रोटी क्यों ना कर देवेंद्र बालकन, रोटी दिए कर दू। और मैंने तो स्कूल से आवा जब घर में रोटी दिए कर, मैं सुबह नाश्ता दिए करती, बच्चा ने स्कूल की भी देती, आया करता जब भी देती। रात को बहू बेटा का रोटी बनाया करती, उनका बर्तन मान दिया करती, झाड़ू पोछा सब कुछ करे करती। फिर मेरा बस को ना रहे हो जब मेरा मारे करता। देखो बेटा और बहू मारते हैं, मैया ने घर का सारा झाड़ू पोछा काम धाम पूरा करती और फिर भी भरपेट भोजन तक नहीं देती। बहू भी मारती और बेटा भी मारता। जब बताइए माओ के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो ये माए कहाँ जाएंगी? इसलिए शायद इन माओ का दुख भी भगवान को देखा नहीं गया, इसलिए भगवान ने हमें आज्ञा की कि तुम इन वृद्ध माओ की सेवा करो। इसलिए बिहारी जी की प्रेरणा और कृपा से आज गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी 275 माताएं आप लोग दर्शन कर सकते हैं। मैया यहाँ आपको कोई कष्ट तो नहीं है गौरी गोपाल? कष्ट नहीं बेटे, मैं बहुत सुखी हूँ। इतनी मैं पेट भर के रोटी यहाँ खाने लगी, मैं भूखी रह करती। जब रोटी ना दियो, चाय रोटी ना दो, यहाँ मैं आराम से रह रही हूँ, कोई चीज की दिक्कत नहीं है मेरे को, बहुत खुश हूँ मैं। देखिए बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि अपनी माँ को पेट भर रोटी भी नहीं देते। गौरी गोपाल आश्रम में ये माए सुखपूर्वक यहाँ रहती हैं। मैं आपको रहने के यहाँ हमने कोई पैसे तो नहीं लिया आपसे? बेटे कुछ नहीं लिया मेरे से, पैसे कुछ नहीं लिया। 50-60 साल हो गया उसके घर से चला गया। बहुत मुश्किल से मैंने घर बसाया बेटा, मैं बहुत मुश्किल से घर बसाया था। मेरे भैया बेच दिया, दो रोटी दे रहा बेटा बहू, मैंने घर से निकाल दी बार बार के, मैंने घर से निकाल दी। अब मत रोइए मेरी माँ, आपका ये बेटा है ना ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटा बेटा बेटी बन करके और आपकी सेवा करेंगे जो बन पड़ेगी। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी वृद्ध माओं की सेवा होती है जो जरूरतमंद माए हैं। और अभी 275 माए हैं, 1000 माओं के लिए ये आश्रम बन रहा है, क्योंकि रोज कोई ना कोई दुखिया माँ आती है, अब जगह बची नहीं है तो ये बड़ा आश्रम बन रहा है। मैं आप लोगों से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि इन वृद्ध माओं से तो हम कुछ लेते ही नहीं हैं, क्योंकि आप लोग जो देते हैं उसी से इन माओं की सेवा होती है। तो ये जो वृद्ध माओं के लिए जो वृद्धाश्रम बन रहा है, इस बनने वाले आश्रम में 1 ईंट 100 ईंट 1000 ईंट का आप भी सहयोग करें, ताकि आपकी भी इस 1 ईंट का सहयोग इन माओं तक पहुँचे। ये आश्रम वृद्ध माओं के लिए जो बन रहा है उसमें कुछ हिस्सा, कुछ ईंटें आपकी लगे, सीमेंट की बोरी 2, 4, 10, 20, 100, 50 जितना आप सीमेंट की बोरियां देना चाहें, ये पुण्य की सेवा है, आप चाहें तो करें। गौरी गोपाल आश्रम में ये सेवाएं जो हैं निरंतर चल रही हैं, अखंड सेवाएं। आप भी इन माओं के लिए तो मैं बोले मैं ऊपर चार मंजिल मकान है, मैं बोले नीचे रहूंगी, मैं नीचे बना लूंगी खा लूंगी। छोरी को बाप बोलो नीचे मैं रहूंगा, मेरे सामान लाके मैं निकाल दो बेटे, इसको निकाल दे। ससुर बोले समझी बोले इसको निकाल दे, यहाँ मैं रहूंगा। वो भी वह बोले करता मेरे को गाड़ी काटता, समझी समझन भी गाड़ी काटता। बोले चल कोई बात ना, ऊपर ना रहने दो, कहीं ना रहने दो, मैं अलग रोटी बना लूँ खा लूँ। मैंने फिर से मिला जी, जी। मैं निकाल दी घर से निकाल तो आपके समझी? हाँ मेरे समझी ने निकाल दी, समझन समझन दोनों जना ने निकाल।
अच्छा समधी समधन वहीं रहते हैं, रहते हैं। मतलब बहू अपने माँ बाप को तो पास में रखती है पर अपनी सास को निकाल देती है। रसमलाई गुलाब जामुन समोसा दलिया सब बेटे बेटे खाऊं आजकल बेटी बेटी मैं देखी करती मैंने ना देखता मैं खुद सास ससुराल सब जनता खाए करता बेटे बेटा मैं बेटी देखे करती ऐसे देखे करती मैंने चाय रोटी ना देखिए बेटा बहू वो लोग बढ़िया गुलाब जामुन रबड़ी रसमलाई खाए और ये माँ को ना दें ये बैठी केवल ताकती रहती थी इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माँ की पसंद का हम भोजन बनवाते हैं जिस दिन हमारी माँ को गुलाब जामुन खाने का मन होता है उस दिन यहाँ गुलाब जामुन बनती है माएँ जो बोलती हैं वो बनता है यहाँ हम तो केवल भगवान का कार्य ईश्वर ने जो निमित्त बना रखा है वो कर रहे हैं आप लोगों से प्रार्थना कि आप इस आश्रम में एक कमरा बनवा कर माँ को दे सकते हैं एक कमरे की छत आप डलवा सकते हैं एक माँ को आप गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प 275 माएँ हैं तो एक दिन का संपूर्ण माओं का भोजन आप दे सकते हैं कि आज हमारी ओर से माएँ भोजन करेंगी आज आप माओं को नाश्ते की सेवा दे सकते हैं कि आज हमारी ओर से माएँ बाल भोग नाश्ता करेंगी आज एक माँ 10 माँ 50 जितनी यहाँ माएँ हैं उनको आप बेटे का जन्म देना है बेटी का जन्म देना है तो आप इस पुण्य की श्रृंखला से जुड़ें और मैया आप यहीं रहिए दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे और आप सभी इन माओं के लिए अपने सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है आधा घंटा एक्स्ट्रा कमाया करो ये सोच कर के आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और आप लोग वृद्ध माओं का अपनी आँखों से दर्शन कीजिए यहाँ किस तरह से सेवा होती है आप खुद देखिए जो हम टीवी पर कहते हैं आप मेरे कहने पर विश्वास कुछ भी मत कीजिए यहाँ आकर अपनी आंखों से देखिए सब चीजें खुली किताब है यहाँ सबके लिए कभी भी आइए अपनी आंखों से देखिए कि आपके दिए हुए धन का किस प्रकार से यहाँ सदुपयोग हो रहा सुबह से शाम आप आश्चर्य मानेंगे सुबह से रात्रि हो जाती है आपको देखते देखते भरपेट लोगों को भोजन की लाइन चलती रहती है खत्म ही नहीं होती लाइन देखा ना आप लोगों ने माओं की सेवा जो बन पड़ती है प्रत्येक माँ के लिए दवाई नाश्ता चाय पानी भोजन दूध सब कुछ जो एक बेटा अपनी माँ के लिए कर सकता है वो सब कुछ करने की कोशिश है आइए आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने भी अपने आप को जोड़ा है नाम सुनते हैं आगे की कथा में प्रवेश करेंगे नाम सुनने के बाद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की समस्त सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा संस्कार चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार की सेवाएं श्री धाम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में चल रही हैं इन सभी सेवाओं को देखकर कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग श्री धाम वृंदावन तक पहुँचाया है आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो बिहारी जी की कृपा पर बनी रहे श्री आशा बप्पन जी महाराज से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं मोहित कुमार जी दिल्ली से वृद्ध माताओं की सेवा के लिए एक छत निर्माण के लिए आप 51,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश उपल जी मोतीनगर दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं अशोक इंदु देवी बिहार से विशेष सहयोग राजवती देवी दिल्ली से विशेष सहयोग प्रांशुल राजपालीवाल भीलवाड़ा राजस्थान से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं स्वर्गीय भगवानपुरी श्रीमती कलावती गोस्वामी जी आप एक वृद्ध माँ को गोद ले रहे हैं चित्तौड़गढ़ कुंभा नगर राजस्थान से आप 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं श्री रोहित कुमार छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग बिल्लू प्रजापति हरियाणा रोहतक से विशेष सहयोग राजवती देवी पाली हरियाणा से आप 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं दीप कुबेर पटेल छत्तीसगढ़ से 5,000 रुपए राम रतन पटेल वैभव बलवती पटेल आप छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग गुरुचरण पटेल वृंदावन देवी छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग प्रभाकर मिश्रा शिवहर बिहार से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद श्री ललिता देवी बिहार से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं गेंदलाल जी जबलपुर से 2,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं श्री ब्रजलाल ब्रजलता गौतम आगरा से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं भूरीबाई भूलीबाई वाइफ राधेश्याम परिहार मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग शशिकला मिश्रा सीतापुर से लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप विशेष सहयोग शशि शर्मा पठानकोट पंजाब से 21,000 रुपये निर्मला देवी मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग जितेंद्र कुमार पासवान गोरखपुर से 3,000 रुपये सोनाक्षी अलीगढ़ से विशेष सहयोग निकलेश नीलकेश अलीगढ़ से विशेष सहयोग गुप्तदान कोलकाता से 7,100 रुपये एवं नंद कुमार भास्कर राव मार्कंडे जी आप 1,11,111 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं विमल कुमार जी मुंबई से 5,100 रुपए बाबू देवी बाबूलाल देव प्रभावती देव जोधपुर राजस्थान से आप 5,100 रुपए और 11,000 रुपए का भी आप सहयोग समर्पित कर रहे हैं बलवती बलबीर सिंह जी चिराग दिल्ली से
आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कमला जी गुप्ता कानपुर से विशेष सहयोग, विशेष प्रसाद गुप्ता कानपुर से विशेष सहयोग, बेबी गुप्ता कानपुर से, किशोर पे गीता रानी जी असम से विशेष सहयोग, स्वर्गीय तारा देवी वाइफ ऑफ सच्चिदानंद मिश्रा जी दरभंगा बिहार से 11,000 रुपए, रजक सक्सेना भोपाल मध्य प्रदेश से 5,100 रुपए, गौरी गोपाल महाराष्ट्र से 5,100 रुपए और 21,000 रुपए का भी आप सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर स्वप्न निगम नासिक से विशेष सहयोग, करनी राजस्थान से 21,000 रुपए, उत्पल राय दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से 30,100 रुपए, श्रीमती मथुरा देवी सूरत गुजरात से 21,000 रुपए, हेमा देवी जयपुर से 21,000 रुपए, लवलेश जी लवकेश बंसल जयपुर से विशेष सहयोग, रामरतन कुरुक्षेत्र हरियाणा से 31,000 रुपए, शिवम सिम्बाल जी श्रोपाली सिम्बाल जी देहरादून से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, अटल बिहारी सकुतला गुप्ता कटनी मध्य प्रदेश से 10,100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, मनीराम मीना गंगापुर राजस्थान से 5,100 रुपए, श्रीमती आनंदी खोलिया वाइफ ऑफ स्वर्गीय जसोत सिंह उत्तराखंड से आप 21,000 रुपए, सुभाष सिन्हा किंजुला सिन्हा पटना बिहार से 1,700 रुपए, श्रीमती हरे प्यारी देवी फरीदाबाद से श्री राम किशन जी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं, प्रतिमा कोरे पुरुलिया वेस्ट बंगाल से 5,000 रुपए, संतोष सिंह बिहार से विशेष सहयोग, सुधा गुप्ता आगरा से 2,100 रुपए, राम भाई जी दिल्ली से 3,650 रुपए, विजय कुमार हरियाणा से विशेष सहयोग, सुंदर सिंह गौतम बुधनगर से 2,000 रुपए, मुंजेश गौड़ देवरिया गोरखपुर से आप विशेष सहयोग, रंभाबेन रमाबेन मीनाबेन मणि मानीबेन बच्चू भाई के निमित्त आप अहमदाबाद गुजरात से 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्री गांधी भाई गुप्ता राजस्थान से 5,000 रुपए, अरुण सिंह आगरा से 5,000 रुपए, सुनीता सिंह कोलकाता से 3,000 रुपए, प्रेम राम जी रामी देवी पुत्र मूलचंद जी आप बीकानेर राजस्थान से अनुक्षेत्र का उदान वृद्ध माताओं के लिए 50,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, सरिता महापत्रा जी उड़ीसा से आप 3,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, संतोष सिंह मनोज जी सिंह जी भोपाल से आप 22,100 रुपए का सहयोग समर्पित करें, चैनी देवी मनाली से 5,000 रुपए एवं श्री ठाकुर जी अनमोल ठाकुर मीनाक्षी ठाकुर मेरठ उत्तर प्रदेश से 11,2100 और 1,100 रुपए का भी आप सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बंसी शिखा दास बिहार से 11,000 रुपए एवं मालती देवी देवरिया गोरखपुर से 5,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, पिंकू साहब महाराष्ट्र से नाला सुपाड़ा से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बुद्धा सिंह जी आप सुनहरी देवी परिहार भरतपुर से 2,100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं एवं बाबूलाल राजस्थान से 21,000 रुपए, बिमला देवी दिल्ली से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, स्वर्गीय श्रीमती कृष्ण देवी अरोड़ा ज्वालापुर हरिद्वार से संपूर्ण सेवाओं के लिए 51,300 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वीरेंद्र सिंह जी आप पंजाब से विशेष सहयोग समर्पित करें, सुनील देवी विकास नगर से 5,100 रुपए, सुषमा रानी उत्तम नगर दिल्ली से 5,000 रुपए, निमसा जगदीश यूएसए से 21,000 रुपए, वृद्ध माताओं की सेवा भूमि दान के लिए भी आप 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना शर्मा संतोष शर्मा धामपुर से 11,000 रुपए, गोपाल कनाडा से 5,100 रुपए, नारायणी जी पटियाला पंजाब से 25,000 रुपए, सोनामती देवी मुंगेर से 5,000 रुपए का आप सहयोग समर्पित कर रही हैं। इसी श्रृंखला में रिंकी देवी जम्मू से आप 2,100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं, विनोद कुमार रामबाबू भगत दमयंती शाह रांची झारखंड से 11,000 रुपए एवं सुभाष यादव शोभा देवी चंपारण बिहार से 11,000 रुपए और 10,000 रुपए का भी आप सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहें गौरी गोपाल किन सेवा प्रकल्प से और अपना सहयोग देकर इन सेवाओं को निरंतर यूं ही बढ़ाते रहें ताकि आपके दिए हुए सहयोग से ये सेवाएं निरंतर यूं ही चलती रहें। अब आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। धुंधकारी ने अपने माँ बाप को सताया, माँ कुएं में कूद गई, पिता ने आत्मकल्याण किया, 5 वैश्याओं को ले आया, जलते अंगार डाल दिए, मर गया धुंधकारी प्रेत बना। गौकर्ण जी ने जब भागवत सुनाई तब धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की। सनकादियों गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई, सब जीव जंतुओं ने सुनी, सब पर कृपा हुई, भगवान ने हृदय से लगाया गौकर्ण जी को। इसके बाद सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, नारद जी इत्यादि कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन। श्रोता वक्ता दोनों भगवत धाम को गए, भगवान भी अपने निज धाम को, भक्त भी अपने धाम को, और सनकादियों के मध्य कथा पूरी हुई और भगवत दर्शन हुआ। जहां संत लोग पधारे सब भगवत दर्शन करके कृतार्थ हुए। श्रोता कथा सुनने वाले, वक्ता कथा सुनाने वाला, इस तरह श्रोता वक्ता होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, इस तरह वक्ता श्रोता दिव्य कथा केवल कथा प्रेम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदये आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त गुहकं सत्यं परं धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा उनका हम ध्यान करते हैं। माँ कुंती भुवन ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दे दिया। भीष्म पितामह की सदगति। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा,
जैसे सात दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा। पूजन करके सुखदेव भगवान ने कहा भगवान का चिंतन करना चाहिए। दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं, सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित सुन रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूजा करके हाथ जोड़ के प्रश्न किए हैं, सुखदेव भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं। आइए आगे की चर्चा कल करेंगे, अब बड़े भाव से हम आरती का दर्शन करें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओं माम चंद्रमा मनसोर्जादश्चक्षोः शूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्ने राजायत। मन में बसा कर बसा कर तेरी मूर्ति उतारू गिरधर तेरी आरती आरती। साकर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी ना।
मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास वाणी रुद्ध तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। कल बोल संसार भंडारे मारा गुजर जाए, कपाल मारा से खराया, जगीराए नम शिवाय जन्म शिवा, तुम्हें माता जमता तुम्हें, तुम्हें बंधो जसना तुम्हें, तुम्हें विद्या श्रवण तुम्हें, तुम्हें सर्व मम देव दे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युत केशव मंगलनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधर माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नट घट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां दर्श रही अब तो आजा। नट घट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां दर्श रही अब तो आजा। आज रंग लाल तरस रहे नैना, आज गोपाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना 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 बरस रहे नैना, आज गोपाल तरस रहे नैना, आज गोपाल तरस रहे नैना, आज रंग लाल तरस रहे नैना, आज गोपाल तरस रहे कृष्णा, हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंद्र पुष्पाञ्जलिः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम राधेश। जिन भक्तों को मिलना है सामने गौरी गोपाल मंदिर में मिलेंगे हम सबसे, जो भी बात करना चाहें सेल्फी लेना चाहें अंदर गौरी गोपाल मंदिर में मिलेंगे सबको, और यहाँ भी मिलेंगे तो यहाँ आप मिलके और सेल्फी फोटो यहाँ तो हो ना पाएगा क्योंकि यहाँ समय कम है, अंदर मिलेंगे तो आप ले लीजिएगा, और यहाँ भी आप लेना चाहें तो चलते चलते लीजिएगा, समय का उपयोग कीजिएगा। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है
तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के तेरो चरण में शिष्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। आप सभी से निवेदन है जिनको भी महाराष्ट्र से मिलना है शीघ्रता से मंच के ऊपर आए शीघ्रता से।